Employees Federation of Pakistan, Poultry Association of Dairy Industry, Hyderabad Association, Yamshiru Association, ILO की तरफ से मैं तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम अवेयरनेस रेजिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी है का प्रोग्राम है, जिसमें एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जिसमें जैसे UOVI, वर्कर वेलफेयर बोर्ड, उन स्कीम्स जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए हैं, ये देखा जाए कि वो एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट में उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनके जो इश्यूज है उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ ये एक फोरम है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव को अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि वो क्या बेनिफिट्स हैं जो ये इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स के लिए, और एट द सेम टाइम ये एक फोरम है एम्प्लॉयर्स के लोगों के लिए कि वो अपने जो उनके इश्यूज है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन है या क्लेम ऑफ बेनिफिट्स है, वो कौन से इश्यूज है जो उनको फेस होते हैं इस दौरान में, ताकि उनको सिंप्लीफाई किया जाए और बेहतर किया जाए। इसके बाद आज खास के लिए मैं दरखास्त करूंगा खलील बलोच साहब से, पोल्ट्री एसोसिएशन के फॉर द वेलकम मैडम खलील बलोच साहब की। पाकिस्तान कराची से और पाकिस्तान हमारे वेलफेयर बोर्ड के आए हुए दोस्त नूरी हमारा उसमें से आए हमारे दोस्त हैदराबाद एसोसिएशन के चेयरमैन साहब हैं, पोटी एसोसिएशन से आए हुए हमारे मित्र और जाम छोड़ चंद्र थॉमस के फेडरेशन की तरफ से आप तमाम दोस्तों का यह दोस्तों हूँ कि आप टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। बेसिकली हम सब जो यहाँ पे इकट्ठे हैं उस सोच विचार के लिए कि हमने चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, हमने एक्चुअली यहाँ इकट्ठे हैं कि किसी तरीके से वर्कर्स की जो लिविंग है उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके लिविंग स्टाइल है उनका उनको किस तरह इम्प्रूव कर सकें, और उसके लिए आप दोस्तों की कोई तजावीज होगी तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल यूजफुल होगी और हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम सजेशन होंगे आपकी। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए कि एम्प्लॉयर फेडरेशन हो या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर ये इदारे हैं वो हमको एम्प्लॉयर की इंडस्ट्रियल की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं बैठे, हम बैठे हैं अपने वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज में या बाकी स्मॉल इंडस्ट्रीज हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो या डोमेस्टिक हो या किसी किस्म जो वर्कर क्लास में आते हैं उनकी बेनिफिट्स को किस तरह मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो बेनिफिट्स ऑलरेडी कानून के हिसाब से वो है तो उनमें अगर कोई खामियां है तो उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आसिफ अहमद साहब चेयरमैन टाकी को वेलकम करता हूँ। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को चूंकि ये लोकल काज है और हम एक गरीब
उसकी बेहतरी के लिए हम बैठे हुए हैं, तो आप लोग जो भी सजेशन दें हमारे खासतौर से जो मेम्बरान है चैम्बर के एसोसिएशन के, अगर किसी के पास होगी तो इसको नेगेटिव उसमें ना इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बताएं कि इसमें ये सजेशन ये स्टाइल हम कर सकते हैं। अगर सिस्टम में कोई कमी बेशी है तो उसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया जाएगा, और जो आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई बेनिफिट्स है जो वर्कर्स को नहीं मिल रहा तो उसमें आप पॉइंट आउट करेंगे कि ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, या आपके सजेशंस ये होंगे कि ये मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि हमारे आईएलओ के मेंबर भी बैठे हुए और हमारे इंटायर फेडरेशन वाले बैठे हुए, तो हमें कोई कानून साजी की तरफ हम जाए ताकि एम्प्लॉइज को वर्कर्स को बेहतर से बेहतर जो फैसिलिटेट किया जा सके। तो वंस अगेन मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फरीद भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका बुनियादी मकसद यह है कि ये स्कीम जो है इनसे एम्प्लॉयर्स कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, और अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज हैं तो इन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ बैठे ताकि उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आसिफ मेमन साहब को जो चेयरमैन है कोटी एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट इंडस्ट्री के, और उनसे दरख्वास्त करूंगा और इस रिमार्क से आसिफ मेमन साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज की इस तकरीब में हमारे मेहमानों ने खास एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो लोग अवेयरनेस सेशन के लिए आए हैं, ईओबीआई, सेसी, साइट एसोसिएशन हैदराबाद, जामशोला चैम्बर्स के तमाम मेहमान और पोट्री एसोसिएशन तक के तमाम मेहमान से खुशामदीद कहता हूँ, और मैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ईओबीआई का बहुत मशहूर हूँ कि आपने ये अवेयरनेस सेशन रखा कि हमारे मेहमान के लिए आ रही है, और आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे तरफ मतलब मिस्टर जकी अहमद खान जो वाइस प्रेसिडेंट है एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जूम पे हम क्या कहते हैं उनको मैं चाहूंगा कि उनको हम सुन सकें, उनके थोड़े पाकिस्तान प्रोग्राम जो है कर रही है, तो और वो विलिंगली वर्कर्स को इसमें पार्टिसिपेट करें, वो किस तरह से मुमकिन होगा कि जब हम इन स्कीम को प्रॉफिटेबल बनाएं वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, और जो रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयर इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयर है वो विजिबल नजर आना चाहिए। थैंक यू नजर साहब, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रेलेवेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज के अवेयरनेस सेशन का मकसद तो बयान आपको इनिशियली नजर साहब ने भी कर दिया है, और ऑफ कोर्स आगे की आप प्रेजेंटेशन में भी ऑफ कोर्स देखेंगे। इस अवेयरनेस सेशन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेसिकली हम तमाम टाउन एसोसिएशन को एक वन पेज पे लाना चाहते हैं। बेसिकली अभी तक हम अलहदा अलहदा अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं और अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, और गुज़िश्ता कई महीनों से हम यूबीआई के चेयरमैन के साथ भी और सेसी के भी और कमिश्नर के साथ भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी लेबर के साथ भी, और मैं अभी भी उन्हीं के साथ मीटिंग में था, हम मुस्तकिल अलाइन कर रहे हैं वो उन सारे इश्यूज को जो
इस वक्त एम्प्लायर फेस कर रहा है, और उन सारे इश्यूज को इनकॉर्पोरेट करके लॉ में जहां तब्दीली की जरूरत है वो भी हम एड्रेस कर चुके हैं, और उसमें हम ट्रिपार्टाइट कंसल्टेटिव मीटिंग के जरिए हमने उसमें बहुत सारी चीजें एड्रेस की हैं। और इस कंसल्टेटिव मीटिंग का मकसद यही है कि जो आप तमाम टाउन एसोसिएशंस के साथ जो इश्यू सामने आएंगे, जो आपकी प्रपोजल सामने आएंगी, जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो सारे इम्प्रूवमेंट हम लॉ के जरिए उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको बेहतर कर सकें अपने लॉ को। और जाहिर है एक और सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि एक हमारा एक गैप है एम्प्लायर और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। इंस्टीट्यूशंस को हमसे बहुत सारी शिकायतें हैं और हमको उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, उसको ओवरकम करने का यही एक बेहतर जरिया है जहां हम साथ मिलके एक सेम एक एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और इन अवेयरनेस सेशन को हमें एक दिन नहीं करना चाहिए, एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। आज जो हम डिसाइड करेंगे उस पे जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो फिर हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन दरमियान में रखेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक रेगुलर मंथली या क्वार्टरली मीटिंग्स किया करेंगे विद द तमाम टाउन एसोसिएशंस के साथ, ताकि जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सके। इसी तरह से हमने यूबीआई में भी डेफिनेटली बहुत सारी इश्यूज हैं जो एड्रेस हम कर रहे हैं, और जुल्फी बुखारी साहब से भी हमारी दो तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं रिगार्डिंग फेडरल सब्जेक्ट के हवाले से, यूबीआई के और डिफरेंट इश्यूज पे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बेहतर इन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बेहतर लॉ की शक्ल में उसको तब्दील करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों का इसी तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ये कंसल्टेटिव मीटिंग्स और रीजनल मीटिंग्स हम बाकायदगी के साथ करते रहेंगे, और जाहिर है नजर साहब इसको बेहतर तौर पे आगे चल के आपको डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, और आई होप हम एज ए वन यूनिट इन फ्यूचर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जकीर अहमद खान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक तमाम एम्प्लॉयर्स, तमाम टाउन एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सिंगल वॉइस पे नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे इन तमाम इश्यूज के लिए जो कि आज की इंडस्ट्री को फेस है, उस वक्त तक आप इन लेजिस्लेशन को, इन पॉलिसीज को इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ज्यादा फोकस इस मुल्क को ट्रेड ओरिएंटेड इंडस्ट्री कंट्री बनाने में लगा, लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमने ज्यादा काम नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये जो सोशल डायलॉग बिटवीन द इंस्टीट्यूशन जिसके साथ एक गैप है, इसको कवर करने के लिए यही चीज इसी तरह के फोरम की जरूरत है, और इसीलिए हमने ये 6 फोरम जो है सिंध में रखे हैं, जो कि हम सखर में कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं, कराची में हमने किया है, और मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ कोरंटी एसोसिएशन, कोटी एसोसिएशन, और इन 6 मीटिंग्स के बाद 7वीं मीटिंग हम फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। तो इसका आउटकम होगा इन मीटिंग्स का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, लॉज अपनी जगह, पॉलिसीज अपनी जगह, कम से कम इमीडिएट सोल्यूशन के लिए जो वहां पे चेयरमैन हो, कमिश्नर साहब बैठे हुए हो, एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हो, जो सिंप्लीफाई वाले सिस्टम्स को, ताकि जो फैसिलिटीज मिलनी है वो तो वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को मिल सके, ताकि उसमें जो फर्क पड़ सके और वो एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। अब मैं दरखास्त करूंगा ओम प्रकाश साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट है जानचोर चैम्बर के, उनके रिमार्क्स के लिए ओम प्रकाश साहब।
सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ जामशोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारे आए हुए मेहमान गामी पीओबीआई के दोस्त, सेसी के दोस्त, फेडरल एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दोस्त, साइट हैदराबाद एसोसिएशन से आए दोस्त, हमारे मेम्बरान टोटली एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और जामशोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेम्बरान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने ये इस तरह का अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किया जिससे जो गैप है, जिस तरह मेरे दोस्त फरमा रहे थे, जो गैप है बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो कम होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कतराते हैं मिलने से, मिलके बैठने से, वो चीज़ें कम होगी। चलो सबसे पहले मैं आप दोस्तों से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि जिस तरह आप लोगों के जो टीम है वो हमसे अप्रोच करती है हमें, जिस तरह वो हम कहते हैं आप इस तरह का अट्रैक्शन पैदा करें कि इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट के लिए आपके पास आए। इस तरह का माहौल क्रिएट करें, इस तरह का एनवायरमेंट पैदा करें, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक दूसरे के साथ बेहतर होगा। अभी क्या है जिस तरह दूसरे दोस्तों ने फरमाया, आप हमारी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें काफी गैप है। सर हम कहते हैं आप इस तरह का माहौल पैदा करें जिस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले हमें, जिस तरह हमें बैंक दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ हर कोई भागता है, आप हमें अगर जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो हम कभी भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो इस तरह का माहौल बनाए कि हमें भी जब हम आपकी फीसेस भरते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स की फीसेस भरते हैं और उसके बदले में हमें अगर कुछ नहीं मिलता है और सिर्फ कानूनी कार्रवाई और वो जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करते रहते हैं तो उसी तरह चलता रहेगा, तो किसी का बेनिफिट नहीं होगा, ना इसमें कोई ग्रोथ आएगी आपके कामों में, ना इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी तरफ बढ़ के आएगा कि जिस तरह के जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनका उनका मकसद पूरा होगा। सर मेरा मकसद, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के सेमिनार आप कर रहे हो इसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक दूसरे का बेहतर करें, अपना अच्छा माहौल क्रिएट करें जिस तरह हम मिल बैठ के इजी स्टेप से काम कर सकें, हमें हम भागे नहीं एक दूसरे से। ये सर मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। थैंक यू ओम प्रकाश साहब, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विजिबल होना चाहिए ताकि खुशी खुशी जिस तरह हम बैंक में जाते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं हम खुशी खुशी करते हैं, तो ये स्कीम भी अगर प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाए वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स को इसके बेनिफिट नजर आने शुरू हो जाए जो कई जगहों के नजर भी आते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी कम हो जाए, सेल और इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर हो जाए आपस में, तो यकीनन ये स्कीम पे इंस्पायर करे चलेंगे तैयार है। तो इसलिए अब वक्त
बेहतरी हो जाएगी, आम पब्लिक के लिए बेहतर हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन हैदराबाद में तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं अभी। सिंध गवर्नमेंट का मेहरबानी कहना है इसमें भी बेहतर अंदाज में हमारे पास किया है हैदराबाद। इसके अलावा कोई हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। सेकेंडली सर, ये रुपये के हवाले से हमारा अरबों रुपये का फंड एम्प्लॉयज का वो पड़ा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान की जो हाउसिंग स्कीम है उसमें उसमें इसको इन्वेस्ट किया जाए, उसी उनको वर्कर्स को ये कम पैसों में दिया जाए ताकि वजीर आजम की स्कीम भी कामयाब हो और हमारा भी बेनिफिट हो, हमारा जो है रिटर्न भी मिलना चाहिए। और तीसरा सर, मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि हम की जो दो तीन डिपार्टमेंट है, यूपीआई है, सोशल सिक्योरिटी है, उसको हम वन विंडो कर दें ताकि हमारा इंडस्ट्रीज का हमारा जो टाइम है स्टाफ से कोऑर्डिनेट करने का वो हमारा टाइम बचे तो हम और चीज पे समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और ये जो आपका प्रपोजल है वन विंडो, यकीनन तमाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगर हम एक अम्ब्रेला में ले आए या यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करें तो यकीनन ये फायदेमंद है। जैसे किसी के दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है कि वहाँ के आपके पांच डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ पर भी मेरा ये बहुत अच्छी चीज़ है, यकीन डिस्कस हो। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी आई एम रिप्रेजेंटेटिव राबिया रजाक से, जो आई एम रिप्रेजेंट करेंगी कि वो रूम पे अगर हमें जाएंगे। राबिया रजाक अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ EFP की कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आज का इवेंट मुनक्कद किया। साथ ही मैं आपका अप्रिसिएशन आपकी अप्रिसिएशन के लिए ये बात कहना चाहूंगी कि जो ऑलरेडी पॉइंट्स खलील बलोच साहब ने, प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट कोटरी एसोसिएशन आसिफ मेमन साहब ने, प्रेसिडेंट कोटरी एसोसिएशन ओम प्रकाश साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट जामशोरो चैम्बर्स और फहीम नूर साहब ने, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर्स ने जो पॉइंट आउट किए अपनी रिमार्क्स में, स्पेशली विद रिलेशन टू गुड कोऑर्डिनेशन, ओपननेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिमांडिंग क्वालिटी सर्विसेज, सिंपलर फैसिलिटीज की बात आपने अभी की, वन विंडो की बात की और यूनिवर्सल कवरेज। मेरे ख्याल से यू हैव मेड इट ऑल द लॉट इजियर फॉर मी टू से कि यही स्पिरिट है जिसकी वजह से हमने ये जॉइंट एफर्ट की है एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और ILO ने, कि ये सीरीज ऑफ सोशल डायलॉग्स या कंसल्टेशंस हम ऑर्गेनाइज करें और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको ये मौका मिले कि वो कन्वीन हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे आप में से लोग जो हैं वो पॉलिसी डिबेट्स और डिस्कोर्सेस का हिस्सा रहते हैं, दे हैव द सीट ऑन द टेबल, लेकिन मेनी ऑफ यू डोंट, एंड द रीजन व्हाई इज आल्सो बिकॉज ऑफ परहैप्स लिटिल अप्रिसिएशन के ये वाले एलिमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं टू टेबल। और आज की इस इवेंट से मुझे एटलीस्ट अभी तक सुनने में जो मिला है, मुझे वो इनकरेजमेंट भी मिली है ये कहने के लिए कि यहाँ पे तमाम साहिबान इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ये पहला स्टेप है। द रिकग्निशन दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस टुगेदर इज आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग इफेक्टिव रिफॉर्म्स। जकी साहब ने, प्रेजिडेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की कि वी नीड टू टेक मेजर्स लिटिल बाय लिटिल लेकिन टुगेदर, और उस टुगेदरनेस में हमारी जो यूनिटी और वॉइस है उसकी स्ट्रेंथ है। जो जब गवर्नमेंट ऑफिशल्स और इंस्टीट्यूशंस पे पहुंच है तो उसका इम्पैक्ट और तरीके से होता है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वी हैव अदर डिग्निटरीज विद अस फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका बहुत शुक्रिया कि वो तावन कर रहे हैं इन इवेंट्स में हमारे साथ, और अपनी प्रेजेंटेशन जब हमें देंगे तो हमें पता चलेगा कि किस किस्म के बेनिफिट्स और किस किस्म के प्रोसेसेस वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। थैंक यू जी। रवि बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आईएमएफ फॉर देयर सपोर्ट के ना सिर्फ सिंध में, जिसमें मैंने भी अर्ज किया कि इवेंट के बाद मार्च में इंशाल्लाह ताला आईएमएफ की सपोर्ट से एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पंजाब में इस तरह के जो है अवेयरनेस सेशन कर रहा होगा,
ताकि मार्क को भी देखा जाए और फिर इंटर प्रोविंसेस के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सेम कंडीशंस के अंदर, लेकिन एक चीज देखने में मिलती है कि बाद प्रोविंसेस के अंदर वो डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बाद डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या वजूहत है, क्या रीजनिंग है जिसके ऊपर हम इसको भी हम एनालाइज करेंगे। जी जी बिल्कुल, आई थॉट ओपीएचआरडी से रिप्रेजेंटेटिव पहले कर लें तो फिर आई विल गो अबाउट इट, या डू यू वांट मी टू डू इट नाउ? हमाद साहब हैं हमारे साथ मौजूद, रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर हमाद प्लीज। हमाद साहब अगर आप मौजूद हैं काइंडली अनम्यूट कर लें। नजर साहब गालबन कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, अगर आप चाहें तो आई कैन गो अहेड एंड देन वी कैन इनवाइट हिम आफ्टर द प्रेजेंटेशन। आप कर लें, जब हमारा साहब ऑनलाइन होंगे तो उस वक्त उनको ले लेंगे। लेट्स वी हैव आई योर प्रेजेंटेशन प्लीज। जी प्लीज, मैं आईटी वाले कॉलीग से रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो वहां पे डिस्प्ले कर दें काइंडली प्रेजेंटेशन। चलें जब तक वो लगाते हैं तो मेरे ख्याल से I'll just start, क्योंकि time is of luxury and we have other presentations also lined up. मैं सबसे पहले तो एक दो बातें background में रखना चाहती हूँ for contextual understanding, कि हम ये आज की जो कर रहे हैं event और इस पे जो focus है social protection पे और social security की coverage को expand करने के लिए, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और where do we stand as a country in terms of international and national commitments जो social security के हवाले से हैं, और पाकिस्तान में अभी तक जो इकदाम हुए हैं उनकी अच्छी बातें क्या हैं और किन चीज़ों को improve किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स हम गैप्स में और जो ब्लेम्स हैं एंड रीजंस हैं वो हम सबको पता है, हम उस पर टच करेंगे लेकिन उसकी तमहीद इसलिए नहीं मैं इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशंस डिस्कस करने आए हैं और ये देखने आए हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि इस गवर्नमेंट की रजीम में हमने 2019 में देखा कि सबसे बड़ा नेशनल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम आया एहसास के नाम से, और उसमें भी सोशल सेफ्टी नेट्स को बड़ा उभारा गया, चार पिलर्स हैं उसके, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जॉब्स एंड लाइवलीहुड इज वन, सोशल सेफ्टी नेट्स इज वन, एंड देन गुड गवर्नेंस इज वन, और ये तमाम जो हैं ये हमें वो एलिमेंट्स या फाउंडेशन देते हैं जिसपे हम बात करते हैं कि इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स मजबूत हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन जो है वो लोगों के लिए डिज़ाइन करें, स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंक्लूसिव हों, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आप जॉब्स एंड लाइवलीहुड और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी बात करें, यानी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जो फॉर्मल इकॉनमी में वर्कर्स हैं उनके लिए, उनकी बेहतर लाइवलीहुड के लिए, और इनफॉर्मल इकॉनमी में जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रांजिशन के ऊपर बात करें। सो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव विजन तो हमारे पास आ गया और उस पर इकदाम भी हो रहे हैं, हमारे सामने कोविड के सिलसिले में भी काफ़ी उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम आया एंड सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, सोशल
ESSIs हैं, EOBI है, दे डेट बैक टू 65. ये आज के स्कीम्स नहीं, ये बहुत पुरानी स्कीम्स हैं. और हम देख रहे हैं कि जो करंट कवरेज है, और अभी मैं स्टेटिस्टिक्स पे भी आऊँगी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाली नहीं है. ज़ाहिर है ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है, अप्रिसिएशन भी हुई है, रिकग्निशन बढ़ी है एम्प्लॉयर्स के अंदर भी. उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स भी हैं, एबिलिटी टू पे बेहतर हो गई, बायर्स की तरफ से इन्फ्लुएंस आ गया, आपकी सप्लाई चेन्स जो हैं वो ज़्यादा रोबस्ट और उसमें मॉनिटरिंग आसान हो गई. लेकिन जहाँ पर ये ट्रेंड देखने को आया, ये भी आया कि बहुत स्लो कवरेज हुई. और अभी भी कवरेज में जो एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है वो कवर्ड नहीं है. जब हम कवरेज की, द वर्ड कवरेज इटसेल्फ, इसकी बार बार बात करते हैं, तो हम इसमें दो तीन चीज़ें हैं देखने वाली. व्हाट डज कवरेज मीन? अगर आप पहली स्लाइड पे आ जाएं, इसके बाद प्लीज, तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के चार्टर्स हैं एंड एज बिग एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी अपने आर्टिकल में ये कहता है कि तमाम हर सोसाइटी के हर फर्द को सोशल सिक्योरिटी का राइट हासिल है. सो इट्स एन एंटाइटलमेंट दैट वन हैज, चाहे वो किसी भी, वो अर्बन या रूरल एरिया में रहता हो, किसी भी प्रोविंस में रहता हो, वो औरत हो या मर्द हो. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज डिफ्रेंसिएशंस, ये सोशल सिक्योरिटी एक राइट है जो सबके पास होना चाहिए. और जब आप राइट की बात करते हैं, तो इवन ज्योग्राफी मैटर्स. हमें मालूम है कि प्लेसेस एज रिमोट एज दोज इन बलूचिस्तान डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू, फॉर एग्जांपल, पब्लिक हेल्थ या एजुकेशन या दूसरी सोशल असिस्टेंस के प्रोग्राम्स. तो जहां पे कवरेज की बात होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ प्रोग्राम्स हैं, क्या वो एक्सेसिबल हैं, क्या लोग उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्या वो आसान है. एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की वन विंडो ऑपरेशन की, क्या आपको हर जगह तो नहीं जाके भटकना पड़ता. सो ये स्कीम्स की ना सिर्फ एम्प्लॉयर्स को एक जगह यूनिफाई होने की ज़रूरत है, बल्कि जो स्कीम्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है कि वो कैसे आपस की इंटरनल कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकते हैं, ताकि कवरेज में जो है वो बेहतरी लाई जा सके. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डिक्लेरेशन, सॉरी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको तकवियत मिली ILO के जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जो बैन अल-अक़वामी मेयार हैं लेबर के ऊपर. उसमें कन्वेंशन 102 है एक, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, यानी सोशल सिक्योरिटी की वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हर फर्द को मिलनी चाहिए. इस पे मैं डिटेल में अभी आती हूँ. और इसी तरीके से कन्वेंशन रिकमेंडेशन 202, कन्वेंशन जो है वो बाइंडिंग होते हैं, रिकमेंडेशन जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. लेकिन इसमें बहस नहीं करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन 202 जो 2012 में आया, उसमें तमाम ममालिक में एक कंसेंसस बिल्ड हुआ कि सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स जो हैं वो एक बुनियादी हक है और वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इसमें इन दो मेयारात से ILO के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेंबर स्टेट्स को गाइड करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट हो. SDGs से हमारे तमाम साथी वाकिफ होंगे, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, SDGs, ये ऐसे बड़े इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर ने भी जिनको माना, और स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने, इस चीज को अप्रिशिएट किया, रिकग्नाइज किया, और इसकी सिग्नेटरी है कि हम 2030 तक SDGs के जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको हम मीट करेंगे, जिसमें से वन बीइंग द गोल वन, विच इज़ ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, इज ऑल्सो ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल प्रोटेक्शन. सो अगर आप इसकी फर्दर कैटेगरीज में जाएं, तो जो गोल वन है उसका सब इंडिकेटर 1.3 जो है वो कहता है कि जी तमाम लोगों को सोशल प्रोटेक्शन जो है वो उसमें, उसकी कवरेज में होना चाहिए. और इसमें वो लोग सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स में वो लोग शामिल हैं, यानी जो मिनिमम है, फ्लोर पे हम खड़े होते हैं तो उससे नीचे तो रिजर्वेशन हो जाती है ना, तो फ्लोर इज द मिनिमम विच शुड बी गिवन टू एवरीवन. तो वो कहता है कि तमाम और इसमें पुअर और वल्नरेबल जो हैं वो शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये वो खसूसन ये वो सेगमेंट्स हैं विच आर लेफ्ट बिहाइंड. तो इनका इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. आगे प्लीज़.
आईलो के कन्वेंशन 102 की मैंने बात की, अगली स्लाइड कर दीजिए. 102 जो है वो एक तो बताता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं क्या. पिछली पिछली स्लाइड जी. हाँ, थैंक यू. सोशल प्रोटेक्शन जो है उसका कन्वेंशन 102 जो है वो ये बताता है कि जी सोशल प्रोटेक्शन बेसिकली सेट ऑफ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जो कि पावर्टी को रिड्यूस करती हैं, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करती हैं. लेकिन इसमें जो खास बात है जो ये कन्वेंशन कहता है वो ये कहता है कि इट इज एप्लीकेबल टू यू या इट इज एज वैलिड एज फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल. यानी आपकी जिंदगी की शुरू से लेके पैदा होने से लेके आपके तक और उसके बाद भी आपको सोशल प्रोटेक्शन या आपके डिपेंडेंट्स को सोशल प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है और इसी से आप अपनी जिंदगी के उन रिस्क और वल्नरेबिलिटीज से बच सकते हैं, उन शॉक्स से बच सकते हैं जो आपको गुर्बत की तरफ लेके जाती हैं. जो कन्वेंशन 102 है वो खसूसन बात करता है फिर कि ये लाइफ कंटिजेंसीज हैं क्या. ये जो हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं उसमें फिर उनको 9 कैटेगरीज में या ब्रांचेस में डिफाइन करता है. वो कहता है जी इसमें मेटर्निटी शामिल है यानी जिचकी से लेके बच्चे की पैदाइश, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्टिव एज में वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एक्टिव एज में है जिन्हें काम की सहूलत होनी चाहिए मैसर, अगर नहीं है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए. अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है, यानी अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है कि काम कर रहे हैं लेकिन मिनिमम वेज नहीं मिल रही है या बहुत कम पैसे हैं या इनकम डिस्ट्रप्शंस हैं, तो उसके लिए उन्हें सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है. फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरीज की वो बात करता है, सिकनेस की बात करता है, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, सर्वाइवर्स बेनिफिट्स एंड देन हेल्थ प्रोटेक्शन. अब ये वो तमाम है जो इसमें से आप ऑलमोस्ट तमाम से वाकिफ होंगे एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन है वो हमें बाकी 8 किसी ना किसी सूरत में प्रोटेक्शंस तो देता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे पास अभी कोई बेनिफिट नहीं है. यानी अगर किसी कोई बेरोजगार हो जाता है या है और तो उसको कोई भी सोशल सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता. बेनजीर इनकम सपोर्ट के मतलब सोशल असिस्टेंस के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जो इनकम सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो बिस्प के लेकिन वो भी टारगेटेड हैं. यानी वो मींस टेस्ट के ऊपर अपना टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस बंदे या खातून को वो बेनिफिट मिलता है, विच इज़ वेरी लिटिल. सो बेसिकली उसमें इनएडुक्वेटी और उसकी क्वालिटी की बात आ जाती है, लेकिन ये मोटा मोटा कन्वेंशन 102 कहता है. मैं जल्दी से ये लिस्ट है नीचे के कन्वेंशन 102 सोशल सिक्योरिटी के जो सिस्टम्स हैं या उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर जो मेन चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो कहता है कि जी जो शुरू में भी हमने कहा कि सोशल इंश्योरेंस असिस्टेंस और एक्टिव लेबर मार्केट प्रोग्राम्स की कॉम्बिनेशन यूज करें ताकि मुख्तलिफ लोगों को बेनिफिट्स पहुंच सके, ताकि फिस्कल स्पेस क्रिएट हो सके और जो स्टेट है या प्राइवेट सेक्टर है या कोई भी कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े. गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इतने स्ट्रांग हो कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो देख सकें. और ये आप देखेंगे कि तमाम एलिमेंट्स जो है वो एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है. मेरे ख्याल से सोशल डायलॉग इज दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल, के ये मुमकिन ही नहीं है कि गुड गवर्नेंस हो और सोशल डायलॉग ना हो. तो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स या स्टेक होल्डर्स जो इस वर्ल्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड हैं, इन सोशल पार्टनर्स की आवाज, इन सोशल पार्टनर्स के मसाइल और उन मसाइल का इदराक इज द की टू इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी एंड इट्स गवर्नेंस. अगली स्लाइड प्लीज. मैंने सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर की बात की और इसमें आईएलओ का रिकमेंडेशन 202 जो है सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर यानी मिनिमम. अब इस मिनिमम में आईएलओ कहता है कि 4 बेसिक गारंटीज जो हैं वो शामिल होती हैं. इसकी 4 बेसिक गारंटीज की जो मेन स्पिरिट है वो है कि एक तो हेल्थ केयर हो, एसेंशियल हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, ठीक है, ऑल रेजिडेंट्स. और इसमें एक एग्जांपल जो है वो मेटर्निटी केयर की आपके सामने लिखी हुई है. दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो इनकम सिक्योरिटी है. अब इनकम सिक्योरिटी के अंदर फर्दर डिविजन्स हैं.
इनकम सिक्योरिटी टू दोज जहां पे बच्चे हैं और उनको एक्सेस नहीं है न्यूट्रिशन की, एजुकेशन की, फिजिकल या साइकोलॉजिकल वेलबींग की. तो हमने देखा है बहुत सारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते लेकिन उनकी फैमिलीज को इनकम सपोर्ट दी जाती है ताकि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम किया जा सके, उनके लिए स्कूलिंग का इंतजाम किया जा सके. तो वो छोटे छोटे स्टाइपेंड्स के जरिए उनको स्कूल इनरोल करवाया जाता है, वहाँ पे लंच बॉक्सेस भी मिल जाते हैं. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है इस सिलसिले में स्टेट भी डिजाइन करती है और प्राइवेट सेक्टर भी डिजाइन करता है. फिर एक्टिव एज में इनकम सिक्योरिटी, यानी जैसे मैंने पहले बयान किया कि आप एक्टिव एज में हैं, यू शुड बी वर्किंग, बट समहाउ फॉर वन रीजन और अनदर यू डोंट हैव सफिशिएंट इनकम, या आपके पास आपको वर्किंग एज की ही फेज में आपको कोई बीमारी हो जाती है, या आप अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं या अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, या हामला होने की सूरत में या डिसेबिलिटी की सूरत में आपको सिक्योरिटी की जरूरत है. और फिर है ओल्ड एज जिसमें आपको इनकम सिक्योरिटी की जरूरत है. हमें पता है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो ओल्ड एज के बाद डेथ ग्रांट, मतलब पेंशन ओल्ड एज बेनिफिट है लेकिन उसके बाद डेथ ग्रांट्स भी होते हैं और आपके डिपेंडेंट्स के लिए बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एक ग्राफ है जो ये बताता है कि आईएलओ की टू डायमेंशनल अप्रोच जो है सोशल सिक्योरिटी की एक्सपेंशन के लिए. आई एम सॉरी, ये कुछ टेक्निकल भी है लेकिन ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कवरेज की बात करते हैं तो वी नीड टू नो कि कवरेज किन किन तरीकों से की जा सकती है और कवरेज के लिए क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इंटरनेशनली मुल्कों में उनको माना गया और अप्लाई किया गया और उसकी वजह से कवरेज बेहतर भी हुई. So, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है नीचे बेस पे और एक वर्टिकल एक्सिस है जो बताता है कि टू वे होनी चाहिए. सो सोशल प्रोटेक्शन की जो कवरेज है या एक्सपेंशन है वो टू डायमेंशनल है. एक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम से. अच्छा, अब ये आप नंबर वन देख रहे हैं वो बिल्कुल बेस पे है, यानी ये वो फ्लोर्स हैं जिसमें आपको जो गरीब है या जो मुस्तहक है या वल्नरेबल है उसको अपने लिए कुछ पे नहीं करना, उसको स्टेट दे रही है बेनिफिट. फिर उसके ऊपर आप देखते हैं कि वो लोग हैं जो सोशल इंश्योरेंस के प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं. अब इनमें सोशल इंश्योरेंस के जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, ईओबीआई है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, ये सारे सोशल इंश्योरेंस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से आ रही है. मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं. पाकिस्तान में एम्प्लॉयर्स 6% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पेंशन के लिए, 1% वर्कर भी करता है, 5% एम्प्लॉयर करता है. सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो सोशल इंश्योरेंस के प्रोग्राम्स में होती हैं और उसमें उसका मकसद ये होता है कि उस बेनिफिट को एक तो ब्रेक किया जाए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें. और सोशल इंश्योरेंस के ही अंदर फिर फर्दर प्रीमियम्स या स्लैब्स होते हैं, यानी मैं चाहूँ तो मैं अपने लिए अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान खरीद लूँ या मैं अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीद लूँ तो मैं उसके लिए पे करूंगी और मुझे वो एक बेहतर क्वालिटी और बेहतर मजीद इजाफे के साथ बेनिफिट जो है मैं हासिल कर सकती हूँ. और फिर थर्ड एग्जैक्टली यही बात के एडिक्वेसी को इंक्रीज करना, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड बेनिफिट्स जो हैं वो आप बेहतर ले सकते हैं. अगली स्लाइड काइंडली. अगली स्लाइड जो है उसमें अब हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं. आईएलओ रेगुलरली एक रिपोर्ट शाया करता है. काइंडली अगली स्लाइड कर दीजिए. इसको वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कहते हैं और इस ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, पिछली स्लाइड प्लीज. ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज जो है वो क्या है. अब कवरेज के लिए इंडिकेटर वो कौन सा यूज करते हैं, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 131, और वो ये कहता है इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जिसमें पॉपुलेशन कवर्ड बाय एटलीस्ट कम अज कम एक सोशल प्रोटेक्शन का बेनिफिट से लोग कवर्ड हों. तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो लाल बार है एशियन पैसिफिक के लिए दैट स्टैंड्स एट 38.9 और उससे नीचे अफ्रीका है. सो चैलेंजेस रीजन वाइज भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ये फर्दर एग्रीवेट हो जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात से, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसिक्योरिटी है,
इसमें अब रिसेंटली पैंडेमिक की वजह से फर्दर चैलेंजेस जो है वो हमने देखने में आई हैं. तो ये एक 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 वजह है जिसके लिए जरूरी है कि और ये हो रहा है इंटरनेशनली, बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया जा रहा है इस बात को कि सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको बेहतर किया जा सके. अगली स्लाइड जो है वो जी स्पेसिफिकली पाकिस्तान का मैं आपको स्टेटस बताना चाह रही हूँ. इसमें कोई साथी इंडिकेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे है? बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत कंजेस्टेड है. सेकेंड लास्ट, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी. सेकेंड लास्ट है एंड दैट इन इटसेल्फ इज नॉट जस्ट डिस्करेजिंग, लेकिन आई थिंक फूड फॉर थॉट कि ये क्या मसला है कि हम कहते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि जी एहसास भी आ गया, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी इतना काम कर रहा है, फिर हर वक्त का एक एक डिस्कशन और डिबेट रहती है गरम के जी वी डूइंग सो मच, वी पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, स्कीम्स बेतहाशा हैं, लेकिन क्यों हमारी कवरेज इतनी कम है? सो पाकिस्तान के बाद सिर्फ पापुआ न्यू गिनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है जिसकी 8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है. और अगेन वी आर नॉट कंटेस्टिंग विद एनी कंट्री, बट वी नीड टू डू दैट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं. और बहुत सारे साथी जो हैं वो हमेशा कहते हैं नहीं जी आप बताएं इंडिया कहाँ है. सो बेसिकली ये भी एक तवज्जो वाली बात है कि हम रीजन में भी सबसे कम है हमारा परसेंटेज पॉइंट्स, और हम एशिया में बहुत लो स्कोर करते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे कंट्रीज हैं. और हमें भी अगेन वी शुड एम फॉर द बेस्ट, हमें ये देखना चाहिए कि जापान क्या कर रहा है और वो कैसे कर पा रहे हैं. क्या कर रहा है इज वन थिंग, लेकिन हाउ आर दे एबल टू पुल इट इज द कोर टू इट ना, कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, हम क्यों नहीं ये कर पाते जी. अगली स्लाइड. अब एक्सपेंडिचर्स, पहले हमने कवरेज की देखी, एक्सपेंडिचर्स में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो नीचे से कोई 7th या 6th लास्ट है. और हम ऑलमोस्ट 1.6% ऑफ आर जीडीपी गोज टुवर्ड्स सोशल प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंडिचर्स. अब अगेन यही बात है कि डेवोल्यूशन में ये 1.6 जो है वो कितना ऑपरेशनल ओवरहेड्स में जाता है, कितना वो डेवलपमेंट में जाता है, वो इट गेट्स लॉस्ट समवेयर. सो ये वाली चीज इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अनलेस यू invest in your social protection systems, you will not be able to see impacts. So this is the very core of the problem. Ji, aage. अगली स्लाइड जो है वो पॉजिटिव लिंक दिखाना चाह रही है. हमने सुना शुरू में हमारे ऑफिशियल्स ने बात की, मेरे ख्याल से हैदराबाद चेंबर से उन्होंने स्पेशली ये बात की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, और ये बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि इट्स वेरी लॉजिकल फॉर अ बिजनेसमैन टू थिंक ना कि मेरा क्या फ़ायदा इसमें, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी. सो ये एक ग्राफ जो है इसके, ये दिस इज अ वेरी एविडेंस based graph which shows के वो मालिक जिन्होंने अपने social protection में echo कर रही है. जिन्होंने सोशल प्रोटेक्शन में एक्सपेंडिचर किया उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी बड़ी. सो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वही ममालिक हैं जो पिछली आपने लिस्ट में भी देखे थे, और ये उनकी प्रोडक्टिविटी और सोशल प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसका लिंक दिया गया है. एंड इट्स नॉट एन ओल्ड फिगर, 2019 इतना पुराना नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड फिगर इसमें. और अनफॉर्चुनेटली मैं ये शायद काफ़ी सर्टेनिटी से सकती हूँ कि इसमें जो नीचे मुमालिक हैं स्पेशली आप पाकिस्तान देख रहे हैं कि वो काफी लो है ग्राफ पे, तो वो और नीचे चला गया होगा बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस वी हैव सीन इन कोविड एंड इट मस्ट हैव इंपैक्टेड अदर कंट्रीज आल्सो. लेकिन क्योंकि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल स्टेट ऑफ अफेयर्स भी इतने फेवरेबल नहीं है, सो वी हैव सीन के दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर जी. अगली स्लाइड. Uh-huh.
आखिरी चंद स्लाइड्स हैं, मैं जल्दी से इनसे आपको गुजार दूं. ये एक हमने अक्टूबर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी जो हमारे प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे. मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कि एक्यूरेट है, लेकिन अगर किसी साथी को स्पेशली जो सोशल सिक्योरिटी के दफातर से आए हैं इसमें कोई कमी बेशी नजर आती है तो वो हम इसको देख सकते हैं. लेकिन दिस गिव्स यू अ गुड एस्टिमेट, इट गिव्स यू अ गुड इनसाइट टू व्हाट इज हैपनिंग. हमें पता है कि जी 200 करोड़ की आबादी, उसमें आपकी 60.5 मिलियन जो हैं वो पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं. अब 60.5 मिलियन जो हैं उसमें से सिर्फ 10 मिलियन ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और फिर फर्दर उन 10 मिलियन यानी आप ये तो निकाल देना 50 मिलियन तो ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और वो किसी खाते में नहीं आते. अच्छा जी 10 मिलियन वो हैं जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और इन 10 मिलियन में से 5 मिलियन हैं जो सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, एलिजिबल हैं, अभी इन्हें मिल नहीं रही, ये एलिजिबल हैं. और एलिजिबिलिटी हमने निकाली है वही कि मिनिमम वेज और जो उनका डेफिनेशन है उसके अंदर कौन कौन आता है. ये अब जो आखिरी दो कॉलम्स हैं वो गौर व फिक्र करने के लिए हैं. ESSI कवरेज इन 5 मिलियन में से सिर्फ 1.8 मिलियन की है. ठीक है, और 1.8 एंड अगेन दिस डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द प्रोविंसेस. उसमें जाहिर है पॉपुलेशन और एम्प्लॉयड पर्संस की तादाद भी वेरी करती है, लेकिन चलो हम कहते हैं कि पूरे मुल्क में से 1.8 मिलियन कवर्ड हैं, जो कि सिर्फ 34% है उनका जिनको 100% मतलब इसको होना चाहिए, और ये सिर्फ 34% है. अब सिंध में स्पेसिफिकली अगर आप आ जाएं तो इट फेयर्स बेटर देन अदर provinces, but we also need to see के जी इस total जो सिंध की आबादी है और इसमें से जो eligible हैं और employed हैं वो कितने और हम कितनों को cover कर रहे हैं. So ये ना सिर्फ social security के इदारों के लिए गौर व फिक्र करने के लिए की बात है, ये contribution देने वालों के लिए भी गौर व फिक्र करने की बात है कि कमी कहाँ पे है. Next slide. नेक्स्ट स्लाइड बेशक आप गुजार दें उससे अगली स्लाइड पे आ जाएं, बिकॉज मेरे ख्याल से दिस हैज बीन सेड इनफ. ये मेरे कहने से इसका एम्फसिस जो है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हम सबको इसका अदराक है कि सोशल डायलॉग इज द की टू इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, बट ऑल्सो इफेक्टिव. नजर साहब ने बात की इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, लेबर पॉलिसीज को इफेक्टिव करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. सोशल डायलॉग इज द स्पिरिट ऑफ आर इवेंट टूडे, बट ऑल्सो शुड ऑल्सो बी द स्पिरिट टूवर्ड्स बेटर गवर्नेंस ऑफ स्कीम्स. सो जब स्कीम्स की रीडिजाइनिंग होती है या लेजिस्लेशन में कोई अमेंडमेंट होती है तो उसके लिए सोशल डायलॉग से का प्रोसेस अडॉप्ट करना और उसकी फेथफुली उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है स्कीम्स की और प्रोग्राम्स की इफेक्टिव वर्किंग के लिए, लेकिन जो अदारे हैं उनकी इफेक्टिव वर्किंग के लिए भी. और आखिरी स्लाइड जी आप साथियों के तवज्जो के लिए, जिसमें एम्प्लॉयर्स का रोल जो हमने देखने में आया. अच्छा इससे पहले आप लोगों से इसके आगे आ जाएं, जो साइट एसोसिएशन और टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ हमने जो इवेंट्स किए कराची में, उसमें जो बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी वो ये थी कि तनकीद भी हो रही थी, उसमें सॉल्यूशंस भी डिस्कस हो रहे थे, उसमें बड़ी कंजीनियल तरीके से डिस्कस हुआ कि कहाँ कमी बेशियाँ हैं. और अगेन सोशल डायलॉग का प्रिंसिपल भी ये है कि जी वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर करता है, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई कि जी जो द रिकग्निशन दैट एम्प्लॉयर्स होल्ड अ वॉइस एंड दे नीड टू बी लिसन्ड टू. सो ये मुझे देखने को मिला. और यही अगर हम जो प्रिंसिपल है इसको हम अपने ना सिर्फ इवेंट्स में मुख्तलिफ मीटिंग्स में जब हम ऑफिशियली भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर, तो इसको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो आपकी ट्राइपार्टाइट डिफरेंट बोर्ड्स हैं जिसमें तीनों फरेक एंड गवर्नमेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स बैठते हैं, उसमें आपकी प्रेजेंस को इंश्योर करती है, उसमें आपकी विजिबिलिटी को इंश्योर करती है.
सो तनकीद बराए तनकीद जो है वो हमारे मुल्क में एक एक वतीरा बन गया, लेकिन अगेन उस तनकीद के बाद सॉल्यूशंस प्रपोज करें, इकट्ठे उन पे काम करें, अपना रोल प्ले करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो ये मेरी इल्तिजा होगी कि आप अपने द सीट दैट यू हैव ऑन दीज बोर्ड्स, द पोजिशन दैट यू होल्ड, द स्टेचर दैट एम्प्लॉयर्स हैव, द इन्फ्लुएंस दैट एम्प्लॉयर्स हैव, दैट नीड्स टू बी वन कंसोलिडेटेड एंड देन ऑल्सो इम्प्रेस्ड अपॉन. वर्कर्स के साथ एडवोकेट करना, एक साथी ने कहा कि जी हॉस्पिटल्स की जो क्वालिटी है सर्विसेज की उनको भी हम बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खुशाइन बात नहीं है. और एक तरीका जो है वो इज ऑल्सो डिमांडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, बजाय इसके कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जी हम तो वर्कर्स को हमें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं या जो उनके करीब है. सो इट्स डिमांडिंग वॉट इज मिसिंग, एक्सेस नहीं है या दूर है, तो ये हमें चीजें टेबल भी करनी चाहिए और बार बार इनके ऊपर एक सॉल्यूशंस और दूसरा एडवोकेसी करनी चाहिए. अच्छा, ये भी एक जो गैप है, बल्कि कुछ एम्प्लॉयर्स ने खुद इसका इस बात में हामी भरी कि हाँ जी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कि एक तो कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दी जाती, दूसरी लिस्ट ऑफ वर्कर्स जो है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपके पास जो काम करते हैं वर्कर्स, उनकी आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सोशल सिक्योरिटी, एक तो उनको रजिस्टर करना है और फिर उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है विद नेम सोशल सिक्योरिटी के इदारों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 50 वर्कर्स या 60 वर्कर्स काम करते हैं लेकिन उनकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करते, सो their details is a must because only then they can make use of these facilities. Data sharing, again humne jab institution se baat ki, और डेटा शेयरिंग की, वैसे डेटा की डर्थ नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में डेटा बहुत है, लेकिन डेटा शेयरिंग के ऊपर लोग ऐसे दबक जाते हैं फॉर सम रीजन. अगेन इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि एम्प्लॉयर्स और जो सोशल सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की जो कंसीलमेंट के इशूज़ होते हैं ये ना आए. और फिर ये वाली जो सारी एक डिबेट चल पड़ती है कि जी ये तो होता ही इसलिए है कि अंडर द टेबल एंड एनवेलप और ये वो, तो जब आप अपना रोल प्ले करेंगे इन मेकिंग श्योर दैट थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, तो एक्सप्लॉयटेशन की जो रूम है, स्पेस है, वो कम रह जाता है. ठीक है, सो ये वो नहीं है जो हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, ये वो लिस्टेड सॉल्यूशंस हैं या वो लिस्टेड रोल है एम्प्लॉयर्स का जो मुख्तलिफ मुल्कों ने आजमाया और उनसे उनको तरक्की हुई और उनको उनके बेहतर नतीज निकले. अच्छा, फिर कंप्लायंस जो सर आखिरी दो लाइन, I'm concluding. आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, लेकिन सप्लाई चेन में हम अक्सर कहते हैं कि ये तो जी हमारे वेंडर के वर्कर्स हैं. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि जी जो सप्लाई चेन वेंडर्स के थ्रू भी वर्कर्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिंध में तो गालिबन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के ऊपर भी कोई इस तरह की लेजिस्लेशन की गई है या की जा रही है, लेकिन उसके बरक्स ILO की भी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जी आप अपने तमाम वर्कर्स को, चाहे वो आपके सप्लाई चेन में वेंडर्स के साथ हों, उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पे करें. दिस इज ऑल्सो अ गुड मार्केटिंग point by the way if you're working with exporters and workers exporters and brands. और अगेन अवेयरनेस रेजिंग एंटरप्राइज लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और पहले ये बात हो चुकी हुई है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस केस. बिजनेस केस नहीं होगा, आप उसके लिए एडवोकेसी नहीं करेंगे तो सोशल सिक्योरिटी की इफेक्टिवनेस नहीं होगी. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड डिस्कशन टुडे. थैंक यू जी. थैंक यू राबिया, आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन था. एक चीज बिल्कुल आपने कही, डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह पहले डिस्कस किया गया, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ा इशू है. और ये ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ सोशल डायलॉग के जरिए सही हो सकता है. आपने बिल्कुल सही कहा, एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर्स को ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो अपने वर्कर्स रजिस्टर करा रहे हैं उनको वो बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. आपने कहा कि एम्प्लॉयर्स को अपनी पोजीशंस इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इस सिलसिले में मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम एम्प्लॉयर्स पाकिस्तान के
काफी अरसे से ये बहुत बड़ी एक रिकमेंडेशन लेके गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं कि जब ईओबीआई में पैसा एम्प्लॉयर ने देना है और वर्कर के बेनिफिट के लिए देना है तो गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है अगर गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती कि वो स्कीमें चलाए। द बेस्ट सोल्यूशन इज कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स मिलके ये स्कीमें चलाएं तो उनका रोल होना चाहिए। सिमिलरली ये हम बड़ा एम्प्लॉयर जो है ये बहुत एडवोकेट कर रहे हैं, हमने वेबकॉप के फोरम से एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के फोरम से ये बड़ा कैटेगरी और क्लियरली कहा है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा जो है वो एम्प्लॉयर का है और उसके वर्कर्स के लिए है तो उनका रोल भी उतना ही होना चाहिए जिनका पैसा है, ना कि रोल उनका हो जो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। ये बातें बिल्कुल सही है लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब तमाम एम्प्लॉयर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और सिंगल वॉइस के साथ गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। इस वक्त जब तक ये स्कीमें देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रहा है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर्स से मिलता हूँ ये बातें करता हूँ दोस्त सारे वो इसको एक टैक्स समझ के दे रहे हैं। ये अप्रोच हमें अपनी हालत करनी पड़ेगी, जब अपने पैसे दे रहे हैं तो उसका हिसाब मांगना हमारी जिम्मेदारी भी है हमारा हक भी है। ये एम्प्लॉयर्स को सोचना पड़ेगा कि जब वो पैसे दे रहे हैं तो उसका हिसाब भी मांगे वो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेड बॉडीज के साथ मिलकर ज्वाइंटली एक प्रोग्राम बनाया है जो मैं यहाँ पे असेंबली में डायरेक्टर को पास करूंगा। यहाँ पे भी जिस तरह टीएमए में साइड एसोसिएशन ने उरंगी एसोसिएशन ने एक कमिटमेंट की है कि वो एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक वॉइस में काम करेंगे। तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि आप हमारे मेंबर भी हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के, सर जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे एक वॉइस क्रिएट नहीं करेंगे तो इश्यूज हमारे वैसे सॉल्व नहीं होंगे और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं एक साथ मिल के चला होगा तो ये मैं कहता हूँ। अब हम चलते हैं जिस मकसद के लिए ये मेन हो कि हम इन इंस्टीट्यूशन को जो इदारे हैं सोशल प्रोटेक्शन के उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो एम्प्लॉयर से भी शेयर कर सकें कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम ये देखें क्या वो सर्विसेज हमें मिल रही हैं। कोई तमाम चीजें वो डिस्कस करेंगे तो मैं अनवर शाह साहब से दरखास्त करूंगा कि वो सोशल सिक्योरिटी की प्रेजेंटेशन करें। अनवर शाह साहब डिस्कशन सुने डिजिटल डेफिसिट की बात है उसको खत्म हो जाएगी और जो प्रश्न डेवलप हो जाएंगे। अच्छा इसमें ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी की बात है तो उसके अगेंस्ट में जो सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है वो मैं आपको बताऊँ कि सबसे आपके लिए क्या स्कीम रखता है और क्या हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जितने यूनिट्स हैं उसके वर्कर्स को एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करते हैं अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट। 6% अपनी वेजेस हम कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल एक गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द उसके अगेंस्ट में हम सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट मेडिकल केयर फैसिलिटीज जो सिक्योर वर्कर उसके डिपेंडेंट्स को दी जाती है ताकि अगर आपका एक वर्कर हमारे एक्सपर्ट्स की कंडीशन सिंगल वर्कर के देते हैं उसके अगेंस्ट ना सिर्फ वो बेनिफिटेड होता है बल्कि उसके जितने डिपेंडेंट
स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उन बिल्कुल वही फैसिलिटीज जो सिचुएशन में है। ये कैश बेनिफिट्स हैं और जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, इसमें सिग्नल बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इजी बेनिफिट है, कोई वर्कर बीमार होता है उसको जरूरत है उसको उसके बेनिफिट्स हैं, अगर वो पर जाता है उसको जो भी अपनी पॉलिसी आपकी कंपनी की, उसके अलावा उसको बेनिफिट्स मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की सूरत में उसको दौरान काम अगर सुबह बिजली पेश आ जाती है मैटरनिटी बेनिफिट है उसके, उसमें एक लॉन्ग ग्रोथ थी उसकी, वो मैटरनिटी उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। सेटलमेंट डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, सहारा पेंशन है, तमाम चीजें उसको डिसेबिलिटी पेंशन है उसकी, डिसेबिलिटी की रिलीफ पर है, मेडिकल ग्रोथ होता है, उसको ऐसी चीज है कि वो काम कर सकता है, उसकी पार्शियल डिसेबिलिटी को डिस्कस किया जाता है, मेडिकल सजेस्ट की जाती है, उसको सजेस्ट की जाती है, और उसकी अगर वो काम करने की डिसेबिलिटी कंप्लीट से मुक्त जाता है उसकी ताया भी। अच्छा, यहाँ बात है कि जो 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 पैसा आप हमको देते हैं, जो सिक्योरिटी का कंडीशन दे सकते हैं, उनका खर्च होता है ठीक से होता है कि नहीं होता, तो इसे मैं बताऊँ 65% ऑफ द बजट वो जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज का नेटवर्क है हमारा, हॉस्पिटल्स का, डिस्पेंसरीज का, जो 65% बजट से ही है इसी मकसद इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉइज की जो वर्क करने आते हैं उनको जो फैसिलिटी दी जाती है। इसमें हमारा केंद्रीय हॉस्पिटल है 355 बेड हॉस्पिटल, हमारा नाइंडी हॉस्पिटल है वो 213 बेडेड है, मोती हॉस्पिटल में 130 बेडेड है, हैदराबाद 55 बेडेड हॉस्पिटल है, किडनी सेंटर 50 बेडेड हॉस्पिटल, किडनी सेंटर ग्रेचुअल है, 20 डायलिसिस टाइम आउट सकते हैं, उसको हमने COVID-19 के लिए हमने उसको वहाँ पे जगह वहाँ फोकस की है, वेंटिलेटर वहाँ मौजूद है, और किडनी के तमाम जितने भी ट्रीटमेंट है वहाँ पर प्रॉपरली किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल सेंटर पद्मजी मेडिकल सेंटर कराची नॉर्थ कराची, एक करनी में है, दादी जी नवाब शाह, और 42 डिस्पेंसरी ऑल ओवर द सिटी हमारे पास है, जिसमें डॉक्टर्स मौजूद हैं और एरिया वाइज जो भी वर्कर आपका वन स्टडी का उसका ट्रीटमेंट वही भी जाना है। अच्छा, ई-स्टेन बिजनेस फॉर्म उसका बनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको जाना है, तमाम चीज ऑनलाइन होती जा रही है, उसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड योर वर्कर्स थ्रू सेसी पोर्टल, आप जाके रजिस्ट्रेशन अपने एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉब्लम सी को भी प्रूव कर सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वर्कर्स इंफॉर्मेशन एंड जनरेशन चालान, जो ऑनलाइन सिस्टम में आप जाते हैं वर्कर्स की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, तो आप एक अपने वर्क पर खुद एक चालान जनरेट कर सकते हैं जिससे सिक्योरिटी पेमेंट आप कर सकते हैं, आपको वो जहमत से बचाने के लिए भी, और इसको सिस्टम को डेवलप किया है आसानी से आप इसको पेमेंट चालान खुद इसको इशू करके डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और अपॉर्चुनिटी बताऊँ कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बॉडी के सही गति साहब ने स्पेशल लेबर दी, उनकी सरबराई में अभी हमारे कमिश्नर साहब ने नादर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत हम आपको एक नादर कार्ड इशू कर रहे हैं, इसको मजदूर कार्ड के नाम से भी नदी मजदूर कार्ड के नाम से गाड़ी चलवा, इसका मकसद ये था कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया है, कुछ ऐसा होता था कि आपने किसी आप हमारे घर में फॉर्म कार्ड इसका फॉरवर्ड करते हैं तो आपके वर्कर कार्ड जाता है, होता यह कि साथ कार्ड जारी दे जाते हैं बाल से प्रिंट दे जाते हैं, इस ट्रांसपेरेंसी में रोकने की मतलब कार्ड देखिए सिस्टम की नादरा इसको रिप्लाई करेगा, तमाम किताब का नादरा के तस् पर जो है वो उसका उसके डिफेंडेंट से मौजूद होगा, उसके भी बच्चों में मौजूद होगा, उसको गलत आदमी ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा और आपका पैसा जो है सही जगह पर संभाल सही लोगों से बात करते हैं जो सही बंदर हैं।
अच्छा इसमें मैं ये जो प्रेसिडेंट डेस्क हमने स्टैब्लिश किए ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जिसमें आप जाके अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कोई ऑनलाइन सिस्टम के हवाले कोई कंप्लेन है तो हमने वो डेस्क साइन कर दिए डायरेक्टली वाइज हर डायरेक्टली कराची को मुक्ति कर दी कि वहाँ जाकर आप कोई अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जाकर वाले कर सकते हैं और ऐसा होता है कोई ऐसी छोटी कंपनी या ऐसी दुकान जिसमें लोग काम करते हैं वो कंप्यूटर यूज नहीं करते वो चालान जनरेट नहीं कर सकते वो वहाँ जाकर अपना चालान जनरेट करा कर और पेमेंट लगा उसके बाद आपने बैठे बैठे जगह से बैठे इसके अलावा हमारी गवर्निंग बॉडी है जो सेसी है वो एक कानून बॉडी है और इसमें हमारी गवर्निंग बॉडी में कुछ कमेटीज अभी बनाई गई है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक हॉस्पिटल बिजनेस कमेटी बनाई गई है जो मॉनिटर करेगी हॉस्पिटल परफॉर्मेंस को ताकि बेहतर तरीके से चीजों को किया जा सके फिर इस पर एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई इसके अलावा केवी में है ब्रांडिंग एंड ब्रांड एजुकेशन कराची में फिर डेवलप किए नर्सिंग कोर्स काफी वन नर्सिस के बोर्ड होते हैं बकायदा उनको एक विजिबल शरीर बनाया जाता है वो सेसी के लिए भी सर्व करते हैं बाहर जाकर वहाँ नर्सिंग कर सकती है इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर मैंने बताया तो मैं इस चीज़ से हम ये बताता चला कि ऐसा नहीं है कि कुछ आप अपना प्ले करते हैं उसके बेस में ऑलरेडी सेसी प्रोवाइडिंग सेसी डूइंग दिस बेस्ट और कोशिश ये है कि डिपेंड करता है कि आप अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में रजिस्टर करें उनसे कंट्रीब्यूशन देगा ताकि इदारा बेहतर तरीके से आपके वर्कर्स को तमाम फैसिलिटीज स्कीम वो आपको प्रोवाइड की जा सके मैं फिलहाल आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मौका दिया बिना आप बात करें मैं हामिद साहब से मेरे डायरेक्ट राइट को कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से हमारे हमने शुरू किया है ये एक साल पहले हमने शुरू किया है जनवरी 2020 से अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म हमारे यहाँ हो रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर तो हमारे से जो सेसी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी वो अब ऑनलाइन हो गई है उसमें 99% उनके लॉग इन वो हो चुके हैं लॉग इन इशू कर दिए गए हैं उसके एम्प्लॉयर जो है उनको ऑनलाइन जो है अपना जो डेटा है वर्कर की डिटेल है वो सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन जो है वो ऑफर जनरेट कर सकते हैं और अपने जो एम्प्लॉज हैं उनके उनका डेटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं उनको सबमिट कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर ऑफर जनरेट करने के लिए पेमेंट किया अच्छा ये जो हमारे कराची में 7 डायरेक्टर्स हैं उसमें हमारे तकरीबन 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो ऑनलाइन जो हमारे पास अब रजिस्टर हो चुके हैं और जितने एक्टिव यूनिट्स हैं उनके 99% में लॉगिन एक्टिव अरे यहाँ अब ये सेकंड फेज के अंदर हमारा ये सिस्टम है हम ये कोटी में कोटी डायरेक्टरेट हैदराबाद डायरेक्टरेट और सबका डायरेक्टरेट हमने फॉर्म किया है और इसके लिए जब हमारे यहाँ डायरेक्टर्स के ऊपर हमने ट्रेनिंग सेशन करवा दी और आपके जो रिक्वायर्ड हैं उनको भी कॉन्टैक्ट बिल्कुल हमारे डायरेक्टर
अच्छा सर प्रोसीजर थोड़ा सा मैं आगे इस मौके पर फाइल उठा के बता दूं कि हमारे सिस्टम में इसमें ये प्रोसीजर है क्या। तो सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स है अपने एस्टैब्लिशमेंट को या अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, और जो ऑलरेडी हमारे सेशन रजिस्टर हुए हैं तो उसका डेटा जो है हमें वो चाहिए होता है फर्स्ट टाइम आपकी एंट्री डालने के लिए अपने सिस्टम का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर आपकी जो बिजनेसेस हैं या यूनिट्स हैं उनकी चाहिए, उसमें आपके जो बिजनेस की डिटेल, बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में चाहिए। फिर उसके बाद ये ऑनर कौन है, ऑनर का नाम क्या है, ऑनर का फोन नंबर क्या है या कॉन्टेक्ट नंबर क्या है या ई मेल क्या है। तीसरे नंबर पर जो फोकस पर्सन आपका जो सिस्टम को चलाएगा या हैंडल करेगा, जो से कांटेक्ट करेगा आपको, तो उसकी फोकल पर्सन की जैसे उसका नाम चाहिए, उसका सेल नंबर चाहिए और उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप अगर डायरेक्टेड को हमारे प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो यूनिट है वो ऑनलाइन उस पर एंट्री उसकी हो जाएगी और रजिस्टर हो जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी तो सेकेंड आपका जो डायरेक्टेड की तरफ से आपको एक लॉगिन पासवर्ड इश्यू किया जाएगा, जो फोकल पर्सन का जो ईमेल एड्रेस या सेल नंबर आपने दिया होगा उस ईमेल पर और उस सेल नंबर पर आपके जो यूनिट है या फिर बिजनेस है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको रिसीव हो जाएगा उसके बाद आप उस आईडी के थ्रू हमारे सिस्टम में लॉगिन कर सकेंगे, और लॉगिन जब आप कर लेंगे लॉगिन करने के बाद आपको जो एक्सेस मिलेगा हमारे सिस्टम में तो उस एक्सेस उसको यूज करते हुए आप अपने वर्कर्स की डिटेल जो है ऑनलाइन अपने डॉक्टर से बगैर पूछे किए हुए हमारे वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने डिवाइस की जो है वो उसमें आप एंटर कर सकेंगे, और जब उसका डेटा बेस बना लेंगे उसका डेटा बेस बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना जो चालान जनरेट करने के लिए हमें सबमिट कर देंगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर से अप्रूवल हो जाएगी और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद जो F4 जिसे कहते हैं वाउचर में वो आपका आपके पास जनरेट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकालने के बाद बैंक में उसको जमा करवा देंगे। अभी जो है इस पर बहुत काउंटर फैसिलिटी जो है वो हमने दी है, सेकंड फैसिलिटी बहुत जल्दी होती है, इससे हमारा सिस्टम भी लिंक कर जाएगा। तो फिर आपको ऑनलाइन किसी भी बैंक से अपने डेस्क से बैठ के आप पेमेंट बैंक में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम है तो इसके लिए गुजारिश करूंगा तमाम एम्प्लॉयर्स हैं वो डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट करें और अपना जो यूनिट है या बिजनेस को ऑनलाइन को रजिस्टर करवाए ताकि आपके एम्प्लॉयर्स को जो है वो तमाम फैसिलिटीज जो है वो मुहैया हो सके। तो सेकंड फेज के अंदर जब ये रजिस्टर हो जाएंगे आपके वर्कर्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो फिर जो भी हमारे ने बताया है कि जो ऑनलाइन जो नागरिक एग्रीमेंट किया है तो आपके पास जो है एम्प्लॉइज के और वर्कर्स के जो है वो नागरिक के थ्रू इशू होंगे। और उसके उस कार्ड के अंदर भी फिर फीचर्स हैं, वो फीचर्स ये है कि जो उसके आपका तमाम डेटा डिपेंडेंट्स का डेटा है वो उस कार्ड के ऊपर होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आए कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से तमाम बेनिफिट जो सोशल सिक्योरिटी के लिए वो प्रोवाइड हो सकेंगे। फिर मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने जितने भी यूनिट्स हैं उनको हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करवाइए और अपने वर्कर्स की डिटेल जो है आप खुद बैंक के अपने टैक्स रिटर्न को सबमिट करवाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन क्या कहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन क्या कहते हैं कंप्लीट सेटलमेंट और फैसिलिटी का देना, ये बहुत अच्छा काम है जो कि सोशल सिक्योरिटी कर रही है। हमने अभी जो पिछली मीटिंगें करी हैं वहाँ पे साइट पे भी और पीएम भी तो हमने दरखास्त करी थी और उसका बड़ा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया कि साइट में और पीएम ने सोशल सिक्योरिटी ने अपना एक हेल्प डेस्क जो है ताकि वहाँ के वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम जो उनको पूरा दूर करने के लिए हेल्प डेस्क बनाया। यहाँ पे भी मैं पोल्ट्री एसोसिएशन के बिहाफ पे रिक्वेस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये दरखास्त करूंगा जैसी के जो डायग्राम है यहाँ पे कि वो पोल्ट्री एसोसिएशन में भी अपना एक हेल्प डेस्क बनाए ताकि यहाँ के एम्प्लॉयर्स को जो इश्यूज हैं उसका बढ़ावा हो सके। और जब ये चीज होगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एम्प्लॉयर्स को रजिस्ट्रेशन कराने में भी आसानी होगी और एम्प्लॉयर जो है रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा कराएंगे।
अब मैं दरखास्त करूंगा अली मुत्तकी साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन ईओबीआई के बारे में अली मुत्तकी साहब मेरा नाम अली मुत्तकी और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ईओबीआई से मैं बलूचिस्तान और मैं एजुकेशन अथॉरिटी वन मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह मेरे साथ जो है मैं ऑपरेशंस के जो डिप्टी डी जी हमारा सब साहब हो रहे हैं मीठी मीठी बातें मैं सुनाऊंगा और आपके तीखे और मीठे सवाल जवाब जो है वो ऑपरेशंस के डी जी देंगे। तो बलोच साहब हेमंत साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने इन्वाइट किया हमें और मेरी खुशकिस्मत ये है कि ये मेरा होम टाउन भी है हैदराबाद होम टाउन है मेरा पूरी स्कूलिंग मेरी यहाँ की है लाइफ मेरी यहाँ की रही है ये और बात है कि आप कराची में फिर होंगे और एक और बात का शुक्रिया अदा करूँगा जहाँ पे मुझे हमारे के गुरु नजर आ रहे हैं पूरी जिंदगी हम उनकी बातें सुनते आए आज आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी हम उनको बातें सुना सकें। हैविंग सेड दैट ओम प्रकाश साहब ने एक बात की थी रिटर्न ऑन कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे घर पर तो नजर आए तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल अपनी स्लाइड आगे करें दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल जो है वो इंटरनेशनल अरीना से आप लोग जीमेल यूज करते हैं गूगल यूज करते हैं और हर कोई आपको जीमेल गूगल ये सब यूज करते हैं। मैंने एक लिंक इधर दिया हुआ है अगर ये शेयर कर ले सबके साथ ये यूट्यूब पे ये वीडियो जरूर देखते हैं ये वीडियो बीबीसी ने बनाई है और ये गूगल के बारे में और गूगल ने जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक्स जो है वो ऑल टुगेदर चेंज कर दिए। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक्स आज भी चलती है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के की पर्सन यहाँ पे ऊपर बैठे हैं कुछ एम्प्लॉयर्स भी बैठे हैं जो कुछ ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपर्ट हैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। दुनिया में जो है अभी जो हम एचआर कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल एचआर हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट होता था उससे मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने कर लिया लेकिन गूगल जो है वो उन सब में कई कदम आगे चल रहे अब वो किस तरह से गया कि उसने अपनी एम्प्लॉय की जैसे हम जनरल स्कीम्स देखते हैं देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस हमने दे दी हमने जो है ओल्ड एज बेनिफिट ले लिया और कई वर्क प्लेस एनवायरमेंट में अच्छा कर दिया उन्होंने जो स्टेप लिया वो ये लिया कि उन्होंने अपनी सोशल एम्प्लॉयज की एक एक इंडिविजुअल की सोशल प्रोफाइलिंग की उन्होंने पीपल एनालिस्ट हायर किए सोशल प्रोफाइलिंग की और प्रोफाइलिंग करने के बाद उन्होंने उस लिहाज से जो है अपने एम्प्लॉयज का पैकेज वगैरह पूरा डिजाइन किया और उसका एडवांटेज ये निकला कि आज जो है गूगल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेंटेन रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा हमारी लोकल इंडस्ट्री ये तो चले बाप हो गई डेवलप कंट्रीज की हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मुश्किल है लेकिन इन्हीं स्कीम्स को इस्तेमाल करते हुए की कंपनीज लोकली ऐसी नहीं है जो कि फायदा उठा रही है जो लोग कॉल सेंटर से वाबस्ता है वो लोग ये जानते होंगे कि कॉल सेंटर के अंदर एम्प्लॉय को रिटेन रखना सबसे मुश्किल काम है। कॉल सेंटर के एम्प्लॉय जो है वो आज एक कॉल सेंटर में होते हैं दूसरे से दूसरे कॉल सेंटर में चले जाते हैं और ये लोग ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉयज है उसको ट्रेनिंग करानी पड़ती है जब भी किसी नए कॉल सेंटर में जाते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट की जिसके लिए वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उनकी उन्हें ट्रेनिंग कॉस्ट आती है। तो एक कंपनी कराची के अंदर ऐसी भी है कि उसने अपने एड के अंदर ये बताया कि हम कॉल सेंटर की सर्विसेज के लिए हमें एम्प्लॉय हायर करते हैं और हम आपको यूपीआई और सोशल सिक्योरिटी की कवरेज देते हैं और डे वन से कवरेज देते हैं और उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है जो भी एम्प्लॉय उनके पास आता है उन्होंने यूपीआई का एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो लिया हुआ है डे वन उस एम्प्लॉय की एंट्री करते हैं और वो यूपीआई के अंदर कवर्ड होता है और उसको उन्होंने एडवांटेजेस ऐसा बनाया है कि वह अपने एम्प्लॉई के हर महीने जो ऑनलाइन सबमिशन हमारे सिस्टम के ऊपर होती है उसका वो चालान ऑनलाइन चालान जो होता है उसको देते हैं कि आप ऑनलाइन चेक कर लो कि आया आपकी कंट्रीब्यूशन जो है आपने क्रेडिट किए या नहीं किए। उसका फायदा उन्हें यह हुआ कि जो उनका एम्प्लॉय चल था उनके एम्प्लॉय को छोड़ छोड़ के चले जाते थे जल्दी वो अब उनके पास उनका जो रहने का रेशो है उनके पास काम करने का जो टाइम पीरियड है ड्यूरेशन वो बढ़ गया
तो ये एक एग्जांपल मैंने दिए, इस तरह से और इंडस्ट्रीज हैं जो अपने जो है ना लेवल टू पर एक्सप्लोर करके इन्हीं स्कीम्स पर एक्सप्लोर करके जो है वो अपना एडवांटेज या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच सकते हैं कि हम किस तरह अपने एडवांटेज के लिए काम यूज करें। वो ये कहावत है कि जो है जो डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में कवर एडवांटेज कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो ये जो सोच हमारी है कि ये कोई ऐसी स्कीम पे जो हमारे पास बिल्डर है या हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी है जैसे अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास बेनिफिट क्या है, यूपीआई क्या क्या बेनिफिट ऑफर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि नाम में आया है कि ये सिर्फ पेंशन स्कीम है और हम अपने एम्प्लॉय को 8,500 रुपये और मैक्सिमम जो है 13,000 रुपये पेंशन देते हैं। जितनी लेंथ होगी सर्विस आपके एम्प्लॉय की उतनी उसको ज्यादा पेंशन ज्यादा होगी और ये लाइफ टाइम पेंशन होती है, कभी डिसकंटिन्यू नहीं होती। इसी तरह सर्वाइवर पेंशन होती है, बेवा को चाहे वो औरत काम कर रही हो, उसके हस्बैंड को हस्बैंड काम कर रहा हो तो उसकी बेवा को जो है ना लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। उसके सिर्फ 3 साल सर्विस की हो और पूरी लाइफ जो है ना वो बेवा जो पेंशन लेती है या उसका स्पाउस है तो वो पेंशन देता है। इसके बाद अच्छा इसके अंदर आप ये देख लीजिए जहाँ तमाम इंडस्ट्रियल हजरात बैठे हैं, मैं एक सिंपल सी एक मैथमेटिक आपके सामने जो है पेश करता हूँ कि जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं, चाहे आप दूसरी कंट्रीज की लें, चाहे आप इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, उनकी आधार स्कीम ले लें, उसका यह होता है कि जो कंट्रीब्यूशन वो पे करते हैं उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं पूरे ईयर में 30 साल 40 साल 35 साल जो भी, और एक अमाउंट उनके पास डिटरमिन हो जाता है कि भाई एक आदमी से हमें ये प्रीमियम मिला और हमने टोटल जो है ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, ये हमने उसको इन्वेस्ट किया और ये हमारे पास रिटर्न, उस रिटर्न से वो पैकेज डिजाइन करते हैं। वो आपको 5 साल की पेंशन देंगे, वो आपको 10 साल की पेंशन दे देंगे, जो कि आप रेट तय करेंगे, भाई मुझे 5 लाख का महीना चाहिए 60 साल के बाद, या मुझे 6 लाख का महीना चाहिए, या जो भी आपके काम कंडीशन है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होंगे। यूपीआई की स्कीम में गारंटी करता हूँ आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करें कि आपकी एक एम्प्लॉई से आपने 40 साल रुपए की कंट्रीब्यूशन दी है, शुरू के अंदर तो वो देता ही नहीं था, आप ही कंट्रीब्यूट, बाद में वो एम्प्लॉय 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए 80 रुपए और अब मैक्सिमम 130 रुपए के ऊपर आया और आपका जो है कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 70 के ऊपर आया। इस तमाम कंट्रीब्यूशन को जो एक एम्प्लॉय ने 40 साल में जमा किया है यूपीआई को, आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट करें, इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो भी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आप अज्यूम कर सकते हैं पीरियड के अंदर का वो करें, और आप ये देखें कि जब यूपीआई उसको रिटर्न करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर जो उसकी इनकम होनी चाहिए थी वो मैक्सिमम 5 साल के अंदर उस एम्प्लॉय की कवर हो जाती है। 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट चला जाता है और 5 साल के बाद ये समझे वो टोटल जो है आउट ऑफ यूपीआई पेमेंट देना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा इसी तरह हमारे पास इनवैलिडिटी पेंशन है। अब आप सर्वाइवर पेंशन इनवैलिडिटी पेंशन देखिए, उन्होंने तो काम किया 3 साल, इनवैलिडिटी पेंशन जो होती है वो 5 साल की कंट्रीब्यूशन आती है और 5 साल की कंट्रीब्यूशन का वो लाइफ टाइम जो है वो अपनी पेंशन दे रहा होता है, मिनिमम पेंशन 8,500 रुपये महीना। अब आप इसमें एक बार कैलकुलेट कर लेंगे क्या कोई इंश्योरेंस स्कीम ऐसी है जो इतना रिटर्न दे सके आपके एम्प्लॉय को। अब ये चीज एम्प्लॉय को समझाने वाली है कि देखो ये स्कीम के फायदा ये है, अगर आप कहीं प्राइवेट सर्विस जाओगे या नहीं आप लोग किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाए और पेंशन ऑफर करें तो इस तरह की पेंशन स्कीम कोई ऑफर नहीं करता। अच्छा अब आपके एम्प्लॉयर के लिए क्या एडवांटेज है, अभी हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था पेंशन डे। पेंशन डे के अंदर हमने दो कैटेगरीज की, एक थी पेंशनर और एक थी एम्प्लॉयर, और जो हमारे पास कंप्लाइंट एम्प्लॉयर्स मतलब पुराने रजिस्टर्ड थे उनकी कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे, डिफरेंट हमने पैरामीटर्स लिए थे और उनके ऊपर जिनकी कंप्लाइंस आई थी हमने उनको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए उस तरह का किया। और इसका एडवांटेज जो है जैसे भविष्य साहब जैसे स्मार्ट एम्प्लॉयर्स से जो एक्सपोर्ट करते थे उन्होंने एडवांटेज ये लिया कि हमारा कंप्लाई सर्टिफिकेट था वो उन्होंने सबमिट किया जहां पे एक्सपोर्ट ऑर्डर लिख दिया। अब वो जब एक्सपोर्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जो है ना कंप्लाइंस सर्टिफिकेट वो सोशल कंप्लाइंस का यूपीआई की कंप्लाइंस था तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एज हासिल हो गया,
दूसरे अपने कंपटीटर्स के ऊपर, दूसरे जो इंडिया बांग्लादेश कंपटीटर्स आए थे उनके ऊपर हासिल हो गया, वो ऑर्डर लेने में कामयाब हो। तो ये एक तरीका है कि आपने उसी चीज को अपने एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया, उस कंप्लायंस सर्टिफिकेट को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यूपीआई इस वक्त 35 बिलियन रुपीज पर ईयर डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पैसे, ये जो अमाउंट है पेंशन की ये वर्कर को जारी है 35 बिलियन रुपीज पर ईयर। इसके बाद दूसरी चीज ये कि हम मैनुअल सिस्टम से टोटली हमने अपने आप को डीलिंग कर दिया है, आपका जो वर्कर है उसको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है और डेबिट कार्ड आपको पता है वो एज ए एटीएम भी यूज आता है और एज अ एस्टिमेटिव यूज आता है, आप पैसा चेंज कर चले गए पेट्रोल डलवा रहे हैं किसी की जो पर्चेज वगैरह। आप अगर अपना एटीएम कार्ड यूज करेंगे किसी भी दूसरे बैंक के ऊपर एचबीएल वाला यूपीएल पे करेंगे तो आपके 15 रुपए या 25 रुपए चार्जेस कटते हैं, लेकिन यूपीआई ने खास एडवांटेज दिया हुआ है अपने पेंशनर्स के लिए और वो ये कि यूपीआई का अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप एक एटीएम से चार्जेस नहीं कटेंगे, वो आपको फिर चार्जेस जो है रिटर्न हो जाएंगे। सेकेंड, इसी के ऊपर हमने जो है एक डिस्काउंट लेके दिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से जो है एमओयू साइन किया है और उसके तहत ये हुआ है कि आप जो स्टेपल आइटम जाएगा आपका वर्कर जाएगा यूपीआई कार्ड होता है और उसके ऊपर उसे जो है ना दाल चीनी आटा इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा 5%। इसी तरह बैंक अपना सामने किया हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके ऊपर यूपीआई कार्ड होल्डर को जो है एडवांटेज मिल जाते हैं, यूपीआई कार्ड होता है यूपीआई कार्ड यूज करेगा उसके ऊपर उसको एडवांटेज मिलता रहेगा, डिस्काउंट मिलते रहेंगे। इसी तरह मोबाइल अकाउंट अगर आपने किसी एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक एमओयू साइन किया हुआ है एससीसीटी एफबीआर यूबीआई। अगर कोई बंदा जाके एफबीआर और यूबीआई एससीसीटी में रजिस्टर होता है तो डेटा भी ट्रांसफर होता है और डेटा अगर उसने लिखा हुआ है कि मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं 5 एम्प्लॉयज हैं तो हम खुद जाके कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और उसको रजिस्टर कर लेते हैं, और अगर वो डेटा हमारे पास मोटली ट्रांसमिट होता है जो कि नई कंपनी रजिस्टर होनी होती है, उन्हें ना यूपीआई के पास आने की जरूरत नहीं है जो परमिटों वाली बात की, तो एक स्टेप परमिटों की तरफ दे दी तो ये यूपीआई का जो है डेटा आ जाता है और हम ऑनलाइन उससे कन्फर्म कर देते हैं, अगर फोन के ऊपर कन्फर्म होता है फोन पे कन्फर्म कर लेते हैं कि आपके जो 5 एम्प्लॉयज नीचे दिए हैं ईमेल हमारी वेबसाइट के ऊपर है वो फॉर्म भर के स्कैन करके भेज दें, आप स्कैन सर्टिफिकेट से वापस मिल जाए, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि जो है आपने क्या चीज उसके साथ सबमिट करनी है, आप उसे फॉर्म फिल करके जमा करा देना और सर्टिफिकेट आपको। तीसरी चीज ये है कि एम्प्लॉयर्स की पेमेंट के लिए जो लोग इंटरनेट बैंकिंग जिन एम्प्लॉयर्स को अलाउ है तो वो हमारे एक्सेस सिस्टम पे अगर वाचा सबमिट कर रहे तो वन लिंक के टैब के अंदर अपने इंटरनेट बैंकिंग के वन लिंक के टैब के अंदर जाए अगर हमारा वाचर नंबर डाल करके पेमेंट जो है ना डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगी उनके राइडर्स को या उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, तो आपकी यूपीआई की कंट्रीब्यूशन मंथली इसके थ्रू भी पे हो जाएगी। नेक्स्ट, और इन द एंड बात यही है कि जो शुरू के अंदर बात हुई बात तमाम लोगों ने बात की कि हम कोई एम्पोर्टर्स नहीं, अब दुनिया जो है ना चेंज हो गई है, एनवायरमेंट चेंज हो गया है, अब लोग पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, तो हम भी इसी मकसद से जहाँ आए हुए हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये बताता है कि हम कितने सीरियस हैं आप लोगों के साथ साथ मेंटेन करने के लिए आपके साथ सुनने के लिए आपके सुनने के लिए। और इन द एंड मैं ये बात करना चाहूँगा अभी जो है हमारे हैदराबाद चैम्बर के हमारे लोकल ने जो है एक बात पॉइंट आउट की थी एंड के अंदर कि वो लो कॉस्ट ऑप्शन स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर की है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इतना मुझे यही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी ने इसके ऊपर मीटिंग की है और वो
इंक्लाइंड है कि वो इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्कीम वगैरह जो है इसके अंदर, तो इसके ऊपर भी हमारा ऐसा नहीं की हम आके बंद करके बैठे हैं, इधर भी हमारा जो है आगे बढ़े हुए हैं और उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू ऑल। Thank you, Muttari sir. Is there anyone representing Bhagwanta Wealth Board? So basically, we were expecting that Bhagwanta Wealth Board se bhi koi ho, lekin honi. Now we'll request Mr. Fasil Karim Siddiqui sir, Advisor and Infrastructure Federation of Pakistan, ki wo thoda sa aapko explain kar sake ki Infrastructure Federation of Pakistan se mein kya kar raha hai, kuch security scheme ki UBI ke sisteme mein, aur pichle ek do saalon mein hamara kya contribution raha, aur ab hum kya soch rahe hain. सबसे पहले मैं उसकी एसोसिएशन और तमाम लोगों को पेश करता हूँ आज के तकनीक के इस्तेमाल के लिए। मैं समझता हूँ कि आज का दिन सिंध के इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, खासतौर पर इंटीरियर सिंध के इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स के लिए एक तारीखी है, जो इस तरीके से भी रखता है कि आज के इस इजलास में कोटी एसोसिएशन, हैदराबाद एसोसिएशन और जामसोर एसोसिएशन के इंतजार और नौजवान क्यादत यहाँ मौजूद है जो इंडस्ट्री को चलाने और शेक करने की पूरी सलाहियत रखती है। और आज जो बातें यहाँ हो रही हैं गालिबन वो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव बातें हो रही हैं सूबे के मुलाकात से, और कुछ बातें मैं आपको इसी तरह आपके साथ शेयर करूंगी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी या यूपीआई वेलफेयर फंड, ये जो सहूलतें हैं इसको एम्प्लॉयर को अवेल करना तीन वजह से जरूरी है। पहली बात यह है कि आप ये चाहते हैं कि आपको सेटिस्फाइड वर्कर्स मिले और आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये बात साबित हो चुकी है, रबी लजाक ने आपको इंटरनेशनल फिगर्स दिखाए हैं कि वो ममालिक जहाँ सोशल प्रोटेक्शन तक सिस्टम काम कर रहा है वहाँ वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। शिकायत अपनी जगह पर हो सकती है, कमजोरियाँ अपनी जगह पर हो सकती हैं, लेकिन आपके शाना बशाना ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने सोशल प्रोटेक्शन को बुनियाद बनाकर अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। उसकी दो बेहतरीन मिसाल मलेशिया की है और वियतनाम की है, जिनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स की पंजीराई हासिल है, बल्कि वो इस तरह अट्रैक्टिव बनाया गया है कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स चाहते हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा। आपको जरूर ये बात देखनी है कि क्या हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे सिस्टम में सोशल सिक्योरिटी या यूबीआई कुछ इस तरीके से तश्कील पाई है कि जिसमें वो अट्रैक्शन पैदा हो सके, या हमारे दरमियान मसाइल और ब्लॉकेट ज्यादा है जो हमें इसके फवायद हासिल करने से रोकते हैं। मलेशिया में पाकिस्तान के एम्प्लॉयर्स वर्कर्स और सोशल सिक्योरिटी कमीशन की एक टीम ने मलेशिया के सिस्टम को स्टडी करने के लिए वहां का दौरा किया, मैं डेलीगेशन के साथ था। वहां जब हमने ये बताया कि पाकिस्तान में 12,000 रुपए सालाना देकर, यानी $75 सालाना पर वर्कर देकर 10 बेनिफिट्स का वो अवेल किया जा सकता है, तो हैरान थे कि ऐसा सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है। और हमारे कानून में गालिबन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को आप जहां भी कंपेयर कर रहे हैं, ये सबसे पिक्यूलियर फीचर है कि $75 में सारा पर वर्कर आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने डिपेंडेंट्स के लिए इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स
सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इंजरी बेनिफिट, डेथ ग्रांट, सर्वाइवर्स पेंशन और ये 10 सहूलत में मौजूद है। कोई भी इंप्लॉयर चाहे भी तो अपने वर्कर को ये सारी सहूलत है $75 पर साल में प्रोवाइड नहीं कर सकता। और उसका दूसरा रूप ये है कि अगर आपका इंश्योर करना शुरू कर दे कि आपके तमाम के तमाम वर्कर इसमें कवर्ड है तो आप देखेंगे कि आपके वर्कर को बजाय खुद एक ऐसी इंसेंटिव बूस्ट मिलेगी कि वो आपके लिए आपको प्रोडक्टिविटी के लिए काम करेगी। मगर हकीकत पाकिस्तान की जरा डिफरेंट क्यों हो गई है कि पाकिस्तान में 30 लाख वर्कर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें से 15 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है, इसलिए कि राज्य द्वारा तनख्वाह का लिमिट किया हुआ है। 15 लाख वर्कर्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी के एलिजिबल है और 15 लाख वर्कर्स पे सिर्फ है कुल 6,30,000 वर्कर्स हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड है। 42% एलिजिबल वर्कर सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड है, मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सहूलत जिससे हम फायदा उठा सकते हैं उसका भरपूर फायदा भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आज के इस मीटिंग के तवसुत से एक मैसेज जो आपके तवसुत से तमाम इम्प्लॉयर्स को लाना चाहिए वो ये है कि हम कोशिश करें कि अपने तमाम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में कवर करके इसको इसके बेनिफिट से रोशन से फायदा उठाए। अब आप ये कहेंगे कि इंटरनल की दर है, हमें वो सहूलत कैसे मिलेगी जिससे हम ये इंश्योर हो कि $75 के मुकाबले में ये सारे बेनिफिट मिल जाए। वहाँ पर काम है हमारे सोशल सिक्योरिटी अफसरान का, हमारे UBI अफसरान का, क्या इस स्कीम को कैसे ट्रबल फ्री बनाए और उसकी क्वालिटी और सर्विस को कैसे इम्प्रूव करें। दो बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ UBI के बारे में और कृषि के बारे में। एक तो UBI के मुस्तकबिल के बारे में, UBI के बारे में बहुत सी बातें मुख्तलिफ जावियों से पिछले 10 साल से खासतौर पर 18th अमेंडमेंट के बाद साल 2010 के से चल रही है कि UBI का इदारा फेडरल है, प्रोविंशियल है, सिंध में लॉबी बन गया है और फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर रही है, सोशल सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लॉ को बना दिया है, इंस्टीट्यूशन भी बनाया है। अब ये एक मुस्तकिल इशू हर मरहले में चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए एक इंतहाई हाई लेवल कमेटी बनाई नेशनल की सदारत में और उसने ये फैसला किया है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के रिकमेंडेशन को माना गया है कि जब तक सूबाई हुकूमत UBI के सिस्टम को नाफिज करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं कर लेती है उस वक्त तक ये फेडरल इदारे के साथ रहेगा और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब एक फेडरल लॉ की सूरत में इसको इम्प्लीमेंट करने के इम्कान है जो हो सकता है अगले चंद हफ्तों के अंदर आपके सामने आ जाए। तो मतलब ये हुआ कि ये अब तभी इम्कान इस बात का है कि ये जो एक इबहाम है कि हम सिंध को दें फेडरल को दें तो ये इबहाम भी खत्म हो जाएगा। और एक और इबहाम जो वेजेस के मुतालिक है खासतौर पर UBI के वास्ते से कि वहाँ चूँकि पुराना कानून भी चल रहा है 8,000 रुपये में बहुत सी कंपनी दे रही है, कुछ कंपनी 13,000 पे दे रही है, कुछ 17,000 पे दे रही है, ये वहाँ भी खत्म हो जाएगा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज जो भी प्रोड्यूसर पे लागू है उसके हिसाब से देने का एक कानून तकरीबन कैबिनेट से अप्रूवल के लिए दिया हुआ है और जैसे भी अप्रूव होगा इंशाल्लाह बिल की सूरत में एक्ट की सूरत में हमारे सामने आएगा। तो हमने इस बात को पेश रखते हुए एक प्रोएक्टिव कदम उठाया था जो कि जनवरी में हमने एक चाय पटाई कॉन्फ्रेंस करी कराची में जिसमें UBI के चेयरमैन को बुलाया, एम्प्लॉयर्स को बुलाया, वर्कर्स को बुलाया और पब्लिक को बुलाया और वहाँ हमने प्रपोज किया कि जब तक सुबाई और मुफाते हुकूमतें
इन मसाइल को कानूनी तौर पर हल कर लेती है। एम्प्लॉयर आगे बढ़कर वॉलंटियरली यूपीआई का कंट्रीब्यूशन मिनिमम वेज पे देना शुरू करें। और हमने यूपीआई के चेयरमैन से इस बात को भी करवाया कि उस सूरत में पिछली प्रायोरिटी जितनी मानी जाएगी और पिछली इंक्रीज भी मानी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और कोशिश करें जो इदारे खासतौर पर जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं कि वो यूपीआई के साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने वर्कर्स को कोशिश करें कि कवर करें। दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा बड़ी एक कानूनी डिस्कशन और रुकावट है कि आप 6% देते हैं मिनिमम वेज का। मिनिमम वेज बढ़ता जाता है, आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है, आपका लोड बढ़ता जाता है। और फिर उसके अंदर ये भी आप देखते हैं बहुत से इंप्लॉयर कि भाई अगर हम सारे वर्कर्स को कवर करें तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल जो लोड है वो बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा आप किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके 50% वर्कर्स को कवर करते हैं और टर्नओवर आपके समझ रहे होते हैं कि कुछ बहुत दूर बच रहा है। हमारी बात इस मौजू पे सुबह वाली मेहनत से बड़े तफसील की हुई है और उनका एक उनकी एक तजवीज ये है कि बजाय इसके कि सोशल सिक्योरिटी या यूपीआई का कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम वेज से देख लो और आपको हर वर्कर को कवर करने के लिए अलग अलग उनकी डिटेल दी जाए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, बन सकता है कि हम 1% ऑफ टर्नओवर में अग्री कर लें कि 0.5% और 1% व्हाटएवर ऑफ प्रॉफिट और टर्नओवर हर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट को और खुद ब खुद उस इदारे के तमाम वर्कर्स जो कि इसके एलिजिबल है सोशल सिक्योरिटी के और यूपीआई के वो उसमें कवर हो जाए। उसमें ये जो ऑडिट का सिलसिला है, इसमें जो इंस्पेक्शन का सिलसिला है, उसमें जो कॉन्फिडेंस के शेक होने का सिलसिला है, आप 50% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं, लिफाफों की गुंजाइश बढ़ती है, अंडर टेबल फैक्ट्री की गुंजाइश बढ़ती है, ये चीजें खत्म हो जाती है और एक लमसम परसेंटेज जिसमें हम एग्री कर सके वो हम गवर्नमेंट को देने पर राजी हो जाए और ये सारे के सारे वर्कर वो सारे बेनिफिट हासिल कर सकें जो कि कानून में सोशल सिक्योरिटी और यूपीआई के तहत दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तजवीज में तीनों एसोसिएशन के सदूर साहबान यहाँ मौजूद हैं और आप नुमाइंदे भी मौजूद हैं, आप इसको आकर के डिलीबरेट करके अगर मुमकिन हो सके एक मुत्तफिका राय आप भी दे सके तो इंशाल्लाह ताला हम जब फाइनल डिस्कशन राउंड में होने वाला है उसके अंदर आपकी राय को भी शामिल कर सकें और कुछ ऐसी आसानी अगर आप समझते हैं कि इससे पैदा हो सकती है तो इसकी तरफ पेशरफ की जा सकती है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि कानून की कंप्लायंस का कल्चर हमारे पास रिजर्वेशन किरदार हो जाता है। माइंडसेट हमारा कंप्लायंस के बजाय अवॉइडेंस की तरफ होता है। मैं जब अपने एसोसिएशन के नौजवान कायदे की तरफ देखता हूँ तो मेरा यकीन बढ़ जाता है कि हमारा माइंडसेट चेंज होना ही चाहिए। बहुत से इदारों में बहुत से ओनर्स ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई उसको कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा लेकिन जो उसका बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं उसको सामने नहीं रखते। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वकालत हमारे नौजवान कर सकती है और हमारे वो HR मैनेजर्स कर सकते हैं जो जिनके हाथ में ऑर्गेनाइजेशन में कानून को इम्प्लीमेंट करने की चाबी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को बिजनेस केस बनाकर पेश करें कि किस तरीके से इन बेनिफिट्स को अगर अवेल किया जाए। थोड़ी सी कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन उसका रिटर्न वर्कर्स के सेटिस्फेक्शन की सूरत में और कॉस्ट सेविंग की सूरत में जो इदारे को आ सकता है वो किस तरीके से जाकर किया जाए। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुख्तसर सा सर्वे भी किया है, वो सर्वे फॉर्म आपके पास भी आएगा सोशल सिक्योरिटी के बारे में। आप अपने
बेलाल और दो टोक चाय जो है उसके बारे में जरूर है, लेकिन समय के रोशनी में हमें जो बातें नजर आई वो ये ऐसे इदारे भी मौजूद है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट को हासिल करके अपने वर्करों को न सिर्फ सर्टिफाइड वर्कफोर्स में तब्दील किया है बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ है। कम से कम 25-30% में ये इंडिया गया है कि उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन के बिना पर उनका ब्रांड इमेज बढ़ा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उजागर हुई है और उनके वर्करों में तस्कीन की और सुकून की एक अच्छी लहर हो रही है जिससे वो समझते हैं कि बुरे वक्तों में ये बहुत बड़ा फायदा है और बुढ़ापे में पेंशन की सूरत में हमें बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है ज्यादा इसके इससे कंप्लाई कर। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे साथियों ने जो बात कही थी मैं उसको देख कर कुछ चार सी के बारे में आपसे कहूँगा। आखिरी बात, सबसे पहली बात, चेंज ऑफ माइंड फॉर कंप्लायंस कल्चर, ये हमें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्लाइमेट पैदा करना, ये क्लाइमेट कौन पैदा करेगा, ये सोशल सिक्योरिटी के अफसर पैदा करेंगे, ये यूटीआई के अफसर पैदा करेंगे, ये इत्मीनान वो दिलाएंगे कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो आप कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जेब से 5 रुपये निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है लेकिन लोग एडी चेक पे जाकर लाइन लगाकर डोनेशन देते हैं, इससे कि उनको ये इत्मीनान है कि ये पैसा सही इस्तेमाल होगा। जिस दिन हमारे एम्प्लॉयर्स को ये यकीन और इत्मीनान पैदा हो जाएगा कि जो कंट्रीब्यूशन अपने वर्कर्स के लिए वो दे रहे हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम सोशल सिक्योरिटी टाइप ऑफ कवरेज का है 42% कवरेज का सिर्फ 19,763 इदारे हैं जो सोशल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि कम से कम हकीकत में मालूम है 1.5-2 लाख इदारे ऐसे हैं जिनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्लाइमेट को पैदा करना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस जिससे पैदा होगा कि जब उनको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होगा। और आखिरी सी जिसको मैं कहूँगा वो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या है जरूरी इस बात है, नगर साहब ने भी बात कही है, मैं इस बात पर रिक्वेस्ट करके अपनी बात खत्म करूँगा कि यहाँ हैदराबाद एसोसिएशन, कोटी एसोसिएशन और जामशोर एसोसिएशन के दौरान मौजूद है, कम से कम 5 मेंबरों पर एक कमेटी बनाए जिसमें हैदराबाद एसोसिएशन के 1 मेंबर, कोटी एसोसिएशन के 1 मेंबर और जामशोर एसोसिएशन के 1 मेंबर हो, एक यूबीआई के मेंबर यहाँ से नॉमिनेट करें, एक सोशल सिक्योरिटी, ये 5 लोग महीने में या 2 महीने में एक मरतबा रेगुलर मीटिंग करके चाहे कानूनी मसला हो आपकी तरफ से चाहे प्रोसीजर मसला हो ये लाकर उसको वही सॉल्व करके अपने एम्प्लॉयर्स को इसका सोल्यूशन दे दें ताकि उनको कराची की तरफ देखना ना पड़े, उनको हेड ऑफिस की तरफ देखना ना पड़े, और अगर कहीं उसके बावजूद मुश्किल होती है तो एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का सेल आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपके पीछे खड़े होकर आपकी मसाइल को हल करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम काउन एसोसिएशन और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को एटलीस्ट अगर 1 महीने में नहीं तो 1.5 से 2 महीने में जरूर साथ बैठना होगा, बैठना चाहिए ताकि हम इन इश्यूज को करें। और फिर जिस तरह हमने साइट में ये बात करी थी यहाँ पे भी उनकी बात कर सकते हैं कि हम जब इसी महीने कमिश्नर साहब से मीटिंग कर रहे होंगे तो अगर हमारे साथ हैदराबाद एसोसिएशन, दुरियाबाद एसोसिएशन, जामशेदपुर चैम्बर और कोटवी एसोसिएशन के लोग भी होंगे, साइट एसोसिएशन होगी, पुरानी एसोसिएशन होगी, ये तमाम जो लोग होंगे और हम चेयरमैन यूटीआई और साइट एसोसिएशन के साथ बात कर रहे होंगे पोजिशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, ये ऐसी नहीं होगी बल्कि हम पॉलिसी की बात कर रहे होंगे। तो ये हम बिल्कुल चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब, इसमें आपकी सपोर्ट भी चाहते हैं। नाउ इट्स योर ओपन सेशन, मैं चाहूंगा कि आप जो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जो मुश्किलात हैं टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन उसको अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूपीआई रेंजर हैदराबाद रीजन के, कोटरी रीजन के डायरेक्टर मौजूद हैं,
मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, यूबीआई के दो डिप्टी जनरल मौजूद हैं। कोई सिलसिले में अगर कोई अपने इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कोई प्रपोजल देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज के बारे में, और किसी चीज में डिले होता है तो उसको कैसे वो किया जा सकता है, तो नाउ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। द हाउस इज ओपन, प्लीज। नाम बताइए अपना। जो भी जवाब दे वो जब माइक पे आ जैसे कि ये ड्राइव हुई है क्लास से रिलेवेंट अवेयरनेस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि जैसे फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस के इंटरनेट पे उसे विजिट करें फैक्ट्रीज में और उनको काफी लोगों के जहन में ये सरकार को इतनी फैसिलिटी ना है, पर अगर अवेयरनेस होगी तो फिर वो फॉरन वहीं कहेंगे, वो कुछ कर सकेंगे, प्राइवेट नहीं जाएंगे वो डायरेक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा यार तुम जैसे करो ना कंस्ट्रक्शन में 25 पे काम करो उसको अब ये
सॉल्यूशन बनाया गया है जैसे सर, और आप जानते हैं कि 15 रुपए जो ना हम वीडियो के देते हैं, जो भी इससे का पैक कर चला देता है सर, है तो ये वो चार्जेस हैं जो आपको फैसिलिटी दी ऑनलाइन उसके लिए है, और सर हमने बहुत बैंक चार्जेस भी बनाए सब से चार्जेस के नाम से मैं को बोल से ले जा रहा हूं कह रहा हूं कि 25 रुपए तो क्या उसके डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, ये क्या डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट सकते हो कि डिपार्टमेंट का बाउंड है नहीं होने से हेलो बात ये है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज कल करते हैं तो आपको चार्जेस कट डिपार्टमेंट ने आपको ये फैसिलिटी दिया कि जनाब ऑनलाइन सबमिशन हो जाए, लेकिन जो ये इनका जो फंड है वो आपको फैसिलिटी दी, लेकिन उस फैसिलिटी की जो कॉस्ट है वो आप ही को पे करनी है। अब तक ये हो रहा था कि कोई चार्जेस नहीं, इस पे सब लगना शुरू हो गया, इसी तरह हो रहा था क्योंकि प्रोजेक्ट तो अपने बजट से ही होते हैं, इनका अगर कोई पूरा डैमेज हो जाएगा
में टाइम इक्विटी देता और अब आप ये देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि सेम कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है पंजाब की और सिंध की और अगर पंजाब में इसी कंट्रीब्यूशन के ऊपर वर्कर मुतमिन है एम्प्लॉय मुतमिन है तो ये सब की नॉर्म की गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दिस स्कीम की ये आप कहते हैं तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा होता हमारा Actually, this is not the matter of the record.
ये बेसिकली बात ये है कि छुट्टियों पेमेंट वहां वापस दे रहे होते हैं उसको, छुट्टियों पर पैसों का मतलब है दोबारा या ये जेनियन है फैक्ट्री से आ रहा है लेकर आ रहा है सारा इसके वीडियो मार देखो तो जैसे पहले जो खुशी दवा जैसे 15 के बाद सर
दवाइयाँ चेंज हो जाती है, कोई तो मतलब वर्कर होता है बेचारा अनपढ़ आदमी होता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्वर साइड पर बड़ा संभाल के रखता है, उसको ओल्ड एज का कार्ड मिल जाता है, जब 60 साल होते हैं तो वो आता है एप्लीकेशन देता है, तो वो कहते हैं कि ये चीजें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, वो जुड़ जाता है, जुड़न बंद होता है, तो क्या वो उसको मिलता नहीं है, उसकी 15-20 साल 25 साल सर्विस होती है, वो बेचारा बिहार में खाना होता है, इसका कोई हल निकालें ताकि वर्कर को तकलीफ ना हो। ये आपकी एक रोजे हमने नोट की है, ये एक रिकरिंग इशू है जो आप बात फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी मैंने आपको क्वेरी आंसर कर दी है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना अगर ऐसा कोई वर्कर है जिसका कार्ड वगैरह या इवन हम लेटर लेते हैं तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से वो है हमारे आते हैं तो हम पूछते हैं भाई आप बता दीजिए अगर वहां से डेटा आ जाता लेकिन अगर कोई ऐसा आ रहा है हमसे कहे कि आप एक्टिविटी बदला दो मेरी सर्विस संभाल लो तो वो क्या होगा दैट दैट शुड चेक दैट होगा तो पता होगा तो बाकी हम हमारे पास जितने अवेलेबल एवेन्यूज होते हैं किसी भी केस पेंशन केस के ऊपर डिसीजन करने के लिए हम वो एग्जास्ट करते हैं सोशल सिक्योरिटी का डाटा जैसे अली साहब ने कहा दोबारा मुझे आना पड़ा क्योंकि डिस्कशन के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन जाए और वो बेचारा मजदूर जो है वो एक साल से वो
तो फौरी तौर पर लोकल लेवल पे उसका मसला हल होना चाहिए। इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी रिकमेंडेशन ऑलरेडी पार्टी से भी थी और बी एन ए बोर्ड भी भर गए और जैसे हमारे जावेद साहब ने कहा उस बात में भी बिल्कुल वो सही है कि छह महीने के बाद जब दोबारा आता है और हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के सरकार कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है कि पांच फेक विलेज पांच फेक वो करते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप समझते हैं कि ऐसी है तो एक कमेटी हम डायरेक्टरेट में बने उसमें कर्नल कंसर्न एसोसिएशन का नुमाइंदा हो लोकल लेवल पर बने और ऐसे केसेस को देखो जितना है बजाय इसके तो वो भरता को कहेगा आपका भरता है तो उसमें क्या होता है अगर दस में से दो केस कहेगा आपके और आठ देने में तो आठ देने में भी जाए फॉर होगा तो एक कमेटी बने लोकल पर डिसाइड करे ये देने या नहीं कोई टाइम नहीं लगता आप कंसर्न उससे देने ये बात बिल्कुल सही है बात फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है सरकार के और किसी जमाने में रिकॉर्ड प्रेस नहीं होते थे वो मैनुअल होते थे तो कोई कमेटी अगर कोई भी मुआजिर या उस फैक्ट्री ऑनर का बंदा अगर रिकॉर्ड नहीं भी कंफर्म कर देता है लेके दे देता है कि ये हमारे यहाँ या कोई स्टॉम्प पेपर पर लेते थे हमारे यहाँ इसने काम किया और हमने उसका कंट्रीब्यूशन अदा किया जब कोई कंफर्म करता है एसोसिएशन बाकी इस वर्कर ने तुम्हारी उस पर काम किया अब वर्कर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है उसमें या एम्प्लॉयर साइड का होगा या डिपार्टमेंट का होगा तो एक्चुअली हमें अपनी अप्रोच को जैसे हमारे दोस्तों ने कहा हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए ये इस तरह के इश्यूज जो है लोकल लेवल पे कमेटी बनना है और यही इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी आखिर में अपना एम्प्लॉयर प्रोटेक्शन से भी मेरी रिक्वेस्ट है जैसे आप कह रहे थे कि रिकमेंडेशन हमने फाइनल उसको दे तो कंसर्न एसोसिएशन जो बुलाएंगे जरूर हम आएंगे अच्छी बात है लेकिन उससे पहले बजाय इसके डायरेक्ट चेयरमैन जो भी या कमिश्नर उससे पहले हमारे अपनी एक मीटिंग हो ताकि उसको भी रिव्यू कर लें एक इनपुट भी हो जाए और उस पर डिसीजन हो जाए। हो सकता है कि आपने कुछ पॉइंट लिखा मैं उसमें और ऐड कर दूँ या उसमें मैं प्रैक्टिकल आपको क्योंकि यहाँ जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं वो कंसर्न एसोसिएशन के पास आते हैं फैक्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू जैसे एसोसिएशन के पास आ जाते हैं और वो एसोसिएशन जो है और जाके कंसर्न डिपार्टमेंट और मैं अपने वीडियो से भी कहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप जैसे हमारे दो तीन दोस्तों ने जो किया आप एसोसिएशन को लिखें हम इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे अभी भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनने हम ऑफिशियली तौर पे उसमें कोशिश भी करेंगे और रिकॉर्ड ऐसा भी करेंगे और मैंने कहा कि मैं यू सोशल मीडिया से अगर ये लॉ की चेंज करने की जरूरत है तो बोर्ड में रखेंगे और इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे। आखिर में डिपार्टमेंट को मैं मिनिस्टर सईद अली साहब ने देखा पूरी आवाज मुझे मौका मिला देखिए सिर्फ हम जितने भी बातें करते रहे हम ये भी मान जाएंगे जब तक वर्कर की औलाद और खली पड़ोस की औलाद एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हमने कुछ भी नहीं कर सकते औलाद के साथ जो हो रही है वर्कर की औलाद भी मेरी अपनी औलाद है मेरी औलाद जब तक उसका बच्चे और मेरे बच्चे एक ही उसमें भी इलाज करा सकते तो वो आप समझिए कुछ भी नहीं सिर्फ कार्रवाई आती है प्रैक्टिकली हमें वो ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिले हमारे बाकी मुल्क में ये है कि रेलवे का मिनिस्टर जो होता है उसकी अपनी औलाद रेलवे में ट्रेवलिंग करती है वजीर तालीम की औलाद अपने चलने वाले स्कूल में वो एजुकेशन भी लेती है लेबर मिनिस्टर के जो होता है जो हॉस्पिटल में जो वो उसके चलते उसकी औलाद उनका ट्रीट नहीं कर सकती वजीर सेहत की जो अपनी औलाद है वो हॉस्पिटल उसमें वो नहीं कर सकती थोड़ा सा हमें अपना मैच है ये खिदमत खाल के हमें कोई इसका नेगेटिव नहीं लेना चाहिए और इंशाल्लाह आपने अपनी आखिरी बात करके इस
मुल्क के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दिया। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में था गवर्नर साहब के हुई मैनर साहब, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की बात हुई थी। 1000 से ज्यादा लोगों का मेहमान था जिसमें बैकअप और काम था वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स सारे बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी तो मैंने उनसे सिर्फ एक कहा कि जिनकी दिमाग की छोड़े एक दो लाइन का नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कहीं नहीं पढ़ेगा। तो आप यकीन करें यही स्कूल देखें मॉडल स्कूल के अच्छे बन जाएंगे। उनकी वजह यह है कि जब मिनिस्टर का बच्चा पढ़ रहा था तो वो जारी डिग्रियों में पैसे लेकर अटेंड नहीं करेगा। जब चीफ इंजीनियर का बच्चा वहां पे होगा वर्क्स ना, तो वहां पे फर्नीचर भी होगा, बिल्डिंग भी सही होगी, केसी के एमडी का बच्चा जो होगा तो बिजली भी नहीं जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस मुल्क में हम ऐलान को कोई ऐसा सिस्टम ले आए कि हर डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज कराएंगे, सोशल सिक्योरिटी इंक्वायरी बोर्ड से कराएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग वह हो जाए, पूरा सिस्टम ही सही हो जाए। तो आपने ऐसी बात की क्योंकि बेसिक है इसकी समझ लोगों को नहीं आती, लेकिन अगर हम करते तो शायद हम इस मुल्क को कम्प्लीट टर्न अराउंड करें। भारत में तो एक ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला कभी ना कभी यकीन आएगा मेरी जो चीज सूरत होती है, जब हम सब मिलकर कलेक्टिवली इस मुल्क को एक अच्छे मुल्क की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे और अपना किया साथ करेंगे। आखिर मैं दरख्वास्त करूंगा आसिफ रहमान साहब से जो कि क्या कहते हैं चेयरमैन है पार्टी के कोटरी एसोसिएशन इंडस्ट्री के, कि वो इसको कंक्लूड भी करें, जो भी डिस्कशन है उसको भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। मैं आज की इस तकरीब में एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेसी और ईयूबीआई का बहुत ही मशहूर हूँ कि आज बहुत ही इफेक्टिव और फ्रूटफुल सोशल डायलॉग सेशन अरेंज किया। वैसे तो तमाम ही एम्प्लॉयर्स जो है ईयूबीआई और सोशल की फैसिलिटीज से आगा हैं, तो आज इस ओपन डिबेट में एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत चीज ये नजर आई कि मिसाल है जो ट्रस्ट डेफिसिट कुछ साहिबान ने जिक्र किया कि उनको है सोशल या यूपीए की फैसिलिटीज के हवाले से ओपन डिस्कशन हुआ, उन्होंने अपनी भी जो है जो चीजें बताई कि क्या तो इसमें मैं यही डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ चीजें एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी नजर आती हैं। जैसे आपने इदारों में देखा होगा ये आम फहम के अंदर एक प्रैक्टिस है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयर्स को जो है ओरिजिनली डिक्लेयर नहीं करते, एक सप्रेशन नजर आता है, जिसका आपने देखा कि इसकी वजह यह है कि कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है फैसिलिटीज ना होने की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, कि वो फैसिलिटीज जो हम चाह रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज को मिले वो नहीं मिली है, तो फिर एम्प्लॉयर ये सोचता है कि हम जो है अपने एम्प्लॉयज को डिक्लेयर करके उन्हीं को डायरेक्टली जो है फैसिलिटी दे दें। इसकी वजह यह है कि जैसा कि आपका नाम है एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें हमने इसको लिमिटेशन कर दिया है कि ये इदारा हमारे एक जहन के हिसाब से ऐसा है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज पर ही महदूद है। अगर आप सोशल सिक्योरिटी को इंटरनेशनली देखें, जिस तरह बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स वाजी की गई अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आई होगी वो तरह से, कि इंटरनेशनली आप देखें कि सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स वर्सेस टू जीडीपी बहुत ज्यादा है दीगर ममालिक में, पाकिस्तान में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आपने अपने डोमेन को जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखा हुआ है, कि इसको आपने समझ लिया कि ये सिर्फ फैक्ट्री फैसिलिटीज तक ही प्रोसेस इंडस्ट्री जो है उसी तक लिमिटेड है। या डीजी साहब ने जिक्र किया कि हमने आजकल एससीसीपी से जो डेटा आता है उससे हम कंपनीज को जो ना इन्फॉर्म करते हैं कि आपका 10 इम्प्लॉयज की रजिस्ट्रेशन हुई है, आप सर्टिफिकेट ले लें उनको कंट्रीब्यूशन दे दें। लेकिन हम देखिए आम टाइम के अंदर बहुत सारी फ्रीलांस कंपनी हैं, करोड़ों रुपए कमा रही होती है, उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी या ओल्ड एज में रजिस्टर्ड भी होते हैं। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसमें आप देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा हाउस होल्ड डोमेस्टिक सिस्टम है, घरों के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का कोई तरीका नजर नहीं। इसी तरीके से बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज वगैरह हैं, होटल्स रेस्टोरेंट बड़े हैं, वो तो अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर्ड कराते हैं, वो भी लिमिटेड,
लेकिन एक शॉप हाउस होल्ड सिस्टम है वहाँ आप ये देखेंगे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें करना ये चाहिए जिस तरह आप नागरा से एसोसिएटेड हैं, तो हमें अपनी जो ये रिक्वायर्ड फेडरेशन रिकमेंडेशन दे रही है तो हमारे अपने नागरा बेस के साथ सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस तरह दुनिया के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको विद इन 2 वीक्स जो एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नंबर मिल जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको मिलता है, उसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, उसका टैक्सेशन सिस्टम, उसकी तमाम चीजें उससे एसोसिएटेड होती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये लेकर आना चाहिए और आपकी फैसिलिटीज जो है जो आप हमें दे रहे हैं हॉस्पिटल की, इसका भी एक नेटवर्क ब्रॉडनिंग करनी चाहिए कि जब हम देखेंगे कि यार आपके यहाँ से मयार की कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आपके साथ इंकॉर्पोरेटेड हैं, तो हम एक खुले दिल के साथ अपने एम्प्लॉयज को ये इंकरेज करेंगे, बल्कि एम्प्लॉयर्स खुद जो है अपने एम्प्लॉयज को उस बेस के अंदर लेकर आएगा। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज तक महदूद नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयर खुद भी आप ही की सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज को यूज करें, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और ये मल्टीपल सेशन चलते रहेंगे तो हम इन चीजों को कंक्लूड कर लेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी लेजिस्लेशन या एक ऐसा एसओपी या एक ऐसी चीज फ्रेम कर लेंगे कि हम जो है इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर लेंगे। और फर्शी साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि ये पेनफुल भी लगता है, लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल रही तो हम लोग अवॉइड करते हैं या कुछ लोग सप्रेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। इसका लेजिस्लेशन ये किया जाए कि जिस तरह हम एक इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, हम FBR या दीगर इदारों में ऑडिट करा रहे होते हैं तो हमें ये बड़ा पेनफुल लगता है कि सोशल सिक्योरिटी PUBI हमारी ऑडिट कर रही होती है और फैसिलिटीज की जहाँ बात आए तो फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल रही होती। तो इसका भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम अपने जब एनुअल रिटर्न्स फाइल करें तो वर्कर्स जो प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जैसे 5% होता है हमारी इनकम बेस से निकल जाता है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का 2% हमारी एनुअल इनकम में से निकल जाता है। तो सोशल और UBI का भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए कि वो हमारी इनकम से रिलेट हो और वहां से वो डायरेक्ट अनुरोध होते हैं। उसी साहब ने अपने स्टेटिस्टिक्स बताई कि लगभग 30 लाख एम्प्लॉयज जो है आपके पास रजिस्टर्ड है, जबकि आप FBR के डेटा के ऊपर इस वक्त रिटर्न देखें तो 19 लाख रिटर्न फाइल हुई। इट मींस ये एवरेज रिटर्न के ऊपर आपको 2 एम्प्लॉय मिल रहा है, एवरेज रिटर्न के ऊपर आपको 2 एम्प्लॉय मिल रहा है। इट मींस कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है कि जितने लोग टैक्स फाइलर्स हैं इस मुल्क में उसमें से मल्टीपल शॉप इंडिविजुअल्स हैं जो अपने इन्वॉइस को नहीं दिखा रहे, फ्रीलांस कंपनीज हैं जो नहीं दिखा रही। तो अगर आप FBR के चैनल से आ जाएंगे तो आपका इनकम बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो इम्प्लॉय है वो बहुत ही ज्यादा उसमें रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस तरीके से जब नेटवर्क बेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर हम आपको अकाउंटेबल भी करेंगे कि हमारे इम्प्लॉय को हमें जो है प्रॉपर मेडिकेयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया एम्प्लॉयर फेडरेशन ILO SSE और UBI ने और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेशंस आप मल्टीपल अरेंज करते रहेंगे कंसिक्वेंटली ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी और फैसिलिटी और जो है मतलब हमारे एम्प्लॉयज हैं उसको जो है बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मतलब क्या आपने जिस तरह पूरी की पूरी आज की जो डिस्कशन थी उसको समअप किया और जो आउटकम दिया वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बेहतर था और दैट्स इंडिकेट द क्लैरिटी जो आपको सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन या UBI के बारे में जो आपकी अपनी क्लैरिटी है विजन है वो कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें एम्प्लॉयर्स को मिलकर इसी लाइन पे काम करना चाहिए और जिस तरह मैंने आपकी फसी साहब ने बताया कि हम ऑलरेडी इस चीज पर काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमें मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ डिस्कस किया है और एट द सेम टाइम हम एक और सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और हमने मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों से भी बात की है कि
हमारे पास अगर सिंध में 5 लाख मजदूर रजिस्टर हैं एससी में, तो अगर हम ये किसी इंश्योरेंस स्कीम से बात करेंगे कि हम ये 5 लाख मजदूर आपके साथ एनरोल कराते हैं और इधर तो आप कितना इन सर्विसेज को देने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आप करते हैं पर मंथ लेंगे और आपकी सर्विसेज की क्वालिटी क्या होगी, एक ऑलरेडी एक सिस्टम है जो दुनिया में हर जगह चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके साथ ही मैं कंक्लूड करने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा फसी साहब से कि वो ये जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के बैनर्स हैं जो हम यहीं के एसोसिएशन के ऑफिस में छोड़ के जा रहे हैं वो जब तक चेयरमैन साहब को प्रेजेंट कर सके और उनको करने हैं। और मैं साथ ही सैफुल्ला साहब से दरखास्त करूंगा कि मैं साथ करूंगा सैफुल्ला साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस से जो उनका मटेरियल है वो उनको भेज दें। और इसके साथ ही मैं तमाम हजरात का तमाम डिपार्टमेंट जो हमारे सोशल सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का यूबीआई का तमाम ऑफिसरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, एम्प्लॉयज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ ओटीएस ट्रेड इंडस्ट्री का बलोच साहब का इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत की। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर मैं महीन नूर साहब का जो हैदराबाद चैम्बर के हैं और अलियाबाद का चैम्बर का शुक्रिया ना अदा करो तो बड़ी जाती होगी क्योंकि कोटरी एसोसिएशन के प्रोग्राम है वो यहाँ पे आए और ये इंडिकेट करती है कि ये 3-4 एसोसिएशन और चैम्बर जो है बड़ा जैल है और एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और एक दूसरे की जगह पे आने के लिए कोई वो नहीं होता नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली हर आदमी अपनी मस्जिद में जाना चाहता है, दूसरे की मस्जिद में नहीं जाना चाहता, तो ये बहुत बड़ी बुराई है और यही हमें इकट्ठा होने का मौका फराहम नहीं करती है। तमाम अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और खासकर फिर कोर इंडिया एसोसिएशन कोटरी एसोसिएशन के स्टाफ का भी जिन्होंने बड़ा मेहनत करी यहाँ पे सेक्रेटरी टाइप का भी उसने बड़ी मेहनत करी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ 10 तारीख को कराची में हम मल्टी स्टेक होल्डर्स कॉटन जीरिंग फैक्ट्रीज के रेफरेंस से और के प्रोग्राम कर रहे हैं वर्कशॉप प्रोग्राम है अपनी तारीख को जीते मिला हुआ है जो लोग या जितनी कंपनियाँ वहाँ के हैं पार्टिसिपेट करना चाहें वो बड़े हमारे पास इन्विटेशन है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये ऑनलाइन जो से भी अवेलेबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आई लोगों का आपका बहुत ज्यादा भेजता हूँ आई लोगों की उनकी वजह से ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू नजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।